चरणारविंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम Thank you.
Bye.
सामने आ जाए हरिबो और सब पास
एकदम नजदीक, एक यहाँ पर कितना जगह, बहुत बैठ लो, अरे वो इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, और थोड़ा, और थोड़ा किस एकर पे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा कुंड की जय, श्याम कुंड की जय। हम लोग बड़े सौभाग्य से श्री गुरु श्री वैष्णवों के अनुगत्य में परिक्रमा करते करते श्री गिरिराज जी के दो नेत्र स्वरूप श्री राधा कुंड एवं श्याम कुंड के दर्शन करने गए थे। श्री राधा कुंड की महिमा स्वयं श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने कहा है उपदेशामृत में कि इस संसार में जितनी भी जगत है, भू भुव स्व जो हम गायत्री मंत्र में जपते हैं, जिसके द्वारा ये भगवान द्वारा रचित ये जो विश्व ब्रह्मांड की जो सृष्टि है, जिसमें ये भूमंडल भुवर लोक और स्वामाने स्वर्गादि लोक, जितनी भी ये सृष्टि है, ये कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले स्थान, तो इन सब से श्रेष्ठ है जो इनसे पार करके जो मोक्ष का जो स्थान है, मुक्ति या महाकालपुरम के नाम से जाना जाता है, वो इन सभी स्थानों से श्रेष्ठ है। तो उस महाकालपुरम से भी शिवजी का जो महेश धाम है, जो वैकुंठ के नीचे है, वो उससे भी श्रेष्ठ है, और उस महेश धाम से भी श्रेष्ठ है श्री वैकुंठ धाम, जहां किसी प्रकार की कोई कुंठा नहीं, न जन्म न मरण न मृत्यु, न कोई चीज नहीं, कहीं से भी कोई क्लेश नहीं, कुछ नहीं, नित्य परम आनंदमय जो स्थिति है, उसी को ही वैकुंठ कहते हैं, जहां भगवान श्री नारायण के रूप में स्वरूप में जो अपने निजजनों के साथ वहां पर श्री विराजमान रहते हैं। तो श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने राधा कुंड की महिमा शुरुआत ही वैकुंठ से की, बाकी कर्म निर्मित और मोक्ष निर्मित मोक्ष द्वारा प्राप्त होने वाले स्थानों की तो उन्होंने वर्णन ही नहीं की। उन्होंने कहा कि वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी, वैकुंठ श्रेष्ठ है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, तो भी वहां पर भगवान के जन्म इत्यादि लीलाएं वहां पर भगवान ने आविष्कार नहीं किया। कहां पर हुई ये जन्म इत्यादि लीलाएं, तो कहते हैं मथुरा में भगवान ने जिस प्रकार से जन्म लेने की जो लीलाएं, जहां पर माता है पिता है, बाल्य लीलाएं हैं, गोकुल में जैसे किया, तो इस प्रकार से मतलब श्री रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी, मथुरा में जन्म लेने के वजह से वैकुंठात वरा, वैकुंठ से भी ये मथुरा नगरी श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान ने इस स्थान पर जन्म इत्यादि लीलाएं की। किंतु इस मथुरा धाम में जन्म इत्यादि लीला लेने पर भी इस मथुरा धाम से भी श्री वृंदावन धाम श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वहां कृष्ण ने विशेष करके गोपियों के साथ रासोत्सव इत्यादि लीलाएं वहां पर उन्होंने प्रकाशित की, इसीलिए वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सव वृंदारण्य, श्री वृंदावन में स्वपक्ष विपक्ष तटस्थ सुहृत यहां तक भी साधन सिद्ध मुनिचरी श्रुतिचरी जितने प्रकार की
गोपियां हैं उन समस्त गोपियों को लेकर के पंचायती राज के रूप में जिस प्रकार से भगवान ने वहां पर जिस प्रकार से रस बरसाई है, ये रस न मथुरा में बरसाई है न वैकुंठ में बरसाई है, ठीक है। तो इसलिए वैकुंठ धाम में जो जन्मादि लीला नहीं है उससे मथुरा श्रेष्ठ है जहां जन्मादि लीलाएं भगवान ने की, किंतु इससे भी श्रेष्ठ वृंदावन धाम है जहां पर भगवान ने जन्म इत्यादि के साथ साथ रासोत्सव जैसे रस बरसाने वाले जो लीलाएं हैं उन लीलाओं को भगवान वहां प्रकाशित की। किंतु उस वृंदावन धाम से भी श्रेष्ठ ये श्री गिरिराज जी गोवर्धन है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने स्वयं 7 दिन तक श्री गोवर्धन जी को अपने वामांग के छोटे उंगली में श्री कृष्ण ने श्री गोवर्धन जी को 7 दिन तक धारण किया उदार पानी। अतः श्री कृष्ण इतने प्रेम से विह्वल है, दयालु है, अपने हाथों से बिना किसी परिश्रम के ही जो कृपा श्री गिरिराज जी को बरसाई है। और जिस प्रकार से इस लीला के माध्यम से वहां पर राधा कृष्ण का जो विशेष जो मिलन इत्यादि संभव पर जो हुआ, नेत्रोत्सव, नेत्र का नेत्र से मिलना, मतलब इस प्रकार से जो नेत्रोत्सव का जो सुयोग प्राप्त हुआ, ये यहां जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने रस बरसाई है वैसा तो श्री वृंदावन इत्यादि में भी नहीं है, क्योंकि यहां विशेष करके राधा जी के साथ, राधा जी के सपक्ष जो गोपियों के साथ श्री कृष्ण ने जो किया है ये इस प्रकार से बाकी जगहों पर नहीं की। और विशेष करके गिरिराज गोवर्धन में से भी ये जो राधा कुंड है, श्री राधा कुंड में जिस प्रकार से केवल राधा जी के जो निज जन निज स्वपक्ष गोपियों के साथ वहां पर जिस प्रकार से प्रेमामृता प्लावन, जिस प्रकार से राधा कुंड में प्रेम की बाढ़ बहा दी, अर्थात मदनाक्य महाभाव के चरम सीमा जहां पर प्रकाशित हो जाने का सुयोग था, और वो भी प्रकाशित होकर के जो उद्दीप्त सुदीप्त इत्यादि स्तरों को प्राप्त करते हुए भयंकर एकदम प्रेम के परम प्रकाष्ठ स्वरूप को प्राप्त करने के लिए जहां पर सुयोग है, किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं है, विपक्ष की, तटस्थ की और सुहृद इत्यादि की किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं है, यहां तक भी जटिला कुटिला इत्यादि लोगों के प्रवेश नहीं है, बिल्कुल निर्बाध गति से श्री कृष्ण के साथ जो मिलन का वहां पर सेवा करने का वहां पर सुयोग है, जिसमें केवल ललिता विशाखा रूप रति मंजरी का ही जिनमें प्रवेश अधिकार है, जहां पर श्री कृष्ण के मनोभीष्ट को जान करके श्री राधा जी कृष्ण के समस्त मनोभीष्टों को संपूर्ण रूप में सेवा के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास करती हैं, जिससे श्री कृष्ण स्वयं उस सेवा को प्राप्त करके स्वयं मुक्त रहते हैं, राधा कुंड को त्याग के कभी जाना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए वहां पर जिस प्रकार से रस या प्रेम की नदी या भाड़ जिस प्रकार से बहती है, ऐसे तो न गोवर्धन में, न वृंदावन में, न मथुरा में, न वैकुंठ आदि जगहों पर ये सब प्राप्त होना संभव पर नहीं है। तो इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने श्री राधा कुंड की ये जो दिव्य जो रहस्य है, जो महिमा पूर्वक जो रहस्य की बात इस प्रकार से उपदेशामृत में व्यक्त की, ये हम लोगों को विचार करने योग्य है, ठीक है। हमारे जो गौड़ीय धारा है, विशेष करके चैतन्य महाप्रभु ने जो संपत्ति हमें देने आए थे, अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नतोज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम, जो स्वभक्ति जो मदनाक्य महाभाव स्वरूप जो स्वभक्ति है उसकी जो श्री है, जो मंजरी भाव जो राजा जी के चरणों की किंकरी जो किंकरियत्व जो भाव है, उसका जो परम मनोभीष्ट जो स्थान है, वो केवल
केवल और केवल राधा कुंड ही संभव पर है। तो इसीलिए जो हम लोगों के जो गौड़ीय वैष्णव धारा के जो वैष्णव लोग हैं, गुरुवर्ग जन हैं, सभी ने राधा कुंड को पूर्ण रूप से आश्रय लेने के लिए बारंबार प्रार्थना किया, उस राधा कुंड में गोता लगाने के लिए प्रार्थना किया, यही हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए परम मनोभीष्ट। मैं संक्षेप में एक लास्ट में एक बात कह करके मैं समापन करना चाहूंगा। ये जो राधा कुंड में जो स्नान की बात है, विशेष करके तीन टाइम स्नान करना या राधा कुंड के भाव में मतलब की गोता लगाना या इस प्रकार की चीजें, तो भक्त लोग चेष्टा करते हैं कि राधा कुंड जब जाते हैं तो राधा कुंड में मतलब स्नान करें, है ना। किंतु हम दूसरी तरफ सुनते हैं कि भाई राधा कुंड तो राधा जी है, श्री राधा कुंड क्या है, स्वयं श्री राधा जी, ठीक है। तो दूसरी तरफ सुनते हैं कि राधा कुंड स्वयं राधा जी है, तो भाई गोता लगाना उसमें, और दूसरी तरफ राधा जी हैं तो क्या राधा कुंड जो राधा जी स्वरूप है उसमें पैर लगा करके नहाएंगे ना, क्या करेंगे। तो मेरे मन में इस प्रकार प्रश्न उदय हुआ कि स्नान करें कि नहीं करें, करें तो भी कैसे करें, पैर लगा के करें, पैर लगाए मतलब पैर लगाएंगे तो वो पानी स्वरूप श्री राधा जी हैं तो राधा जी पर पैर लगाना हो जाएगा। तो मैं किसी समय श्री गुरुदेव से ये प्रश्न किया, साथ में माधव महाराज जी भी थे, तो मैं गुरुदेव से मैं प्रश्न किया रात के समय में, तो श्री गुरुदेव बड़े मतलब कि रसिक भी थे और बहुत मजाक करते भी थे, और मैंने जब इस प्रकार से प्रश्न पूछा कि किस प्रकार से स्नान हम लोगों को करना चाहिए, तो बड़े गंभीर भाव से मजाक करते हुए कहा उन्होंने कि तू एक काम करो, पहले सिर नीचे करो, पैर को ऊपर करते हुए धीरे धीरे जाना। इतना जोर जोर से माधव महाराज जी सब लोग हंस पड़े सब। तो इस प्रकार से ना बड़े गंभीर तत्वों को भी मजाक मजाक में समझाने का एक मतलब कौशलता उनके अंदर थी। तो मैंने पूछा प्रभुपाद जी नहा, मैं तो सुनता था प्रभुपाद जी नहीं नहाते थे या परम गुरुदेव नहीं नहाते थे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मतलब ऐसी बात नहीं है, हम वहां जाएंगे तो नहाना चाहिए हमको, और प्रार्थना करके एक प्रॉपर पद्धति से जिस प्रकार से हम नहाते हैं ठीक उसी प्रकार से हमको फिर नहाना चाहिए। तो इस प्रकार से राधा कुंड के तत्व को समझना, राधा कुंड की महिमा में जो लोग स्थित हैं वैसे महापुरुषों के चरणों की कृपा से ही संभव पर है, और यही हम लोगों का लक्ष्य भी है। तो इसलिए श्री राधा कुंड से, श्री गिरिराज महाराज जी से और इस प्रकार के प्रेमी भक्तों से बारंबार प्रार्थना है, किसी न किसी जन्म में वास्तव में श्री राधा कुंड के वास्तव भाव रूपी उस सेवा भाव रूपी उस पानी में वास्तविक रूप में गोता लगाने का सुयोग प्राप्त हो किसी न किसी जन्म में। तो इसी प्रार्थना के साथ मैं रखता हूँ, वंचा कल्पतरूपेश्च कृपा सिंधु देवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हाँ देखो ये प्रभु जी को जानते हो, कौन कौन जानते हो प्रभु जी, जितने भक्तों को जो पानी पिला रहे ना अग्नि में, प्रभु जी पानी को एक जीवन बताया, पानी का एक नाम रस भी है, पानी का एक नाम रस भी है, ये सबको रस पिलाते हैं प्रभु जी। और बड़ी अच्छी और ये अच्छे नौकरी पद करते हुए भी उन्होंने
पूरा दिल्ली छोड़ करके वृंदावन में बैठे और गुरु वैष्णव की सेवा और पूरा साल का जो पानी का जो बिस्लरी पानी का खर्च ये और इनका के दोस्त है ये दोनों वहीं पर बैठते हुए और बहुत हर तरह से बहुत सारी गौशाला को भी उन्होंने पैसा भी प्रदान करते हैं वृंदावन मंदिर में ये तन मन और धन से हर तरह से ये प्रभु जी सेवा करते हैं बहुत अच्छे प्रभु जी ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामीति नाम्नि मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मतलब प्रणाम अर्पित करता हूँ तत्पश्चात में दीक्षा गुरुदेव इत्रिला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोदशत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में प्रणाम अर्पित करता हूँ तत्पश्चात में पूजा पाद भक्ति राम श्रीधर गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में प्रणाम अर्पित करता हूँ उपस्थित वैष्णव पूजा पाद रामचंद्र प्रभु पूजा पाद विजय कृष्ण प्रभु पूजा पाद मरे संजय प्रभु जी के चरण कमलों में दंड प्रणाम आप सभी उपस्थित वैष्णव और वैष्णवों के चरण कमलों में यथा योग्य दंड प्रणाम अर्पित करता हूँ महाराज जी ने कल मुझे बोला था कि आपको आना है तो ये महाराज जी के सामने हम क्या कथा करेंगे इतने बड़े बड़े वैष्णव बैठे हैं यहाँ पे लेकिन महाराज जी की आज्ञा है इसीलिए कुछ बताने की चेष्टा करता हूँ तो हमारे गुरुदेव ने हमें यहाँ पे इतना बड़ा सौभाग्य दिया है कि हम लोग इतने दिन तक वास कर सकें गिरिराज की तलहटी में और यह स्थान जहाँ पे अभी हम बैठे हैं यह हमारे गुरुजी की भजन स्थली है यहाँ पे हमारे गुरुजी ने तप किया है भजन किया है उसके परिणाम से ही आज यहाँ पे इतना वैभव है इतने भक्त आ रहे हैं और हम सब लोगों को परिक्रमा का सौभाग्य मिल रहा है इतने भक्तों का संग मिल रहा है अभी हम तो पूरा साल ही वृंदावन में रहते हैं लेकिन जो आनंद हमें कार्तिक मास में आता है वैसा हमें पूरा 11 महीने में उतना आता नहीं है क्योंकि जहाँ जब भक्तों का संग मिलता है उनकी सेवा का थोड़ा सौभाग्य मिल जाता है गुरुदेव की कृपा से और उनसे कुछ सीखने को मिलता है तो और भी ज्यादा आनंद बढ़ता है अदरवाइज तो हम तो वृंदावन में ही रहते हैं लेकिन कार्तिक मास की प्रतीक्षा हम पूरा साल करते हैं कि कार्तिक कब आएगा कार्तिक कब आएगा आज भी चर्चा चल रही थी कि 15 दिन निकल गए 15 दिन वापस नहीं आ सकते इतनी जल्दी 15 दिन निकल गए अवश्य 15 दिन रह गए हमारे पास तो इतना हमें ये किससे मिला हमारे गुरुदेव से नहीं तो हम भी घर में रहते थे मुझे याद है कैसे दिवाली मनाते थे फ्रेंड्स के गिफ्ट देने जाना है ये करना है सारा दिन इन्हीं बातों में उलझे रहते थे कल मेरे भाई से मेरी बात हुई तो वो कह रहा दिवाली क्या आती है मैं तो थक जाता हूँ अभी कहता ऊपर वो लाइटिंग डाल के आया हूँ सफाई करवा रहा हूँ ये वो सारा दिन और हमें कोई काम नहीं है देखिए हमारे गुरुदेव ने कितनी बड़ी चीज दे दी हमें कि हमें भक्ति के मार्ग पे लगा दिया कितनी बड़ी कृपा है और उसके बदले में हमसे कुछ लिया नहीं तो हम अपने गुरुदेव को क्या दे सकते हैं कुछ नहीं दे सकता मैं कई बार सोचता हूँ कि हम अपने गुरुदेव को क्या दें सिर्फ नमस्कार कर सकते हैं बस एक नमस्कार बस कि आप आपकी कृपा से हम यहाँ रह पा रहे हैं और कुछ नहीं है हमारा रूप सनातन बोड़िया मठ कोई साधारण जगह नहीं है एक बार मैं एक संत रहते हैं ऋषिकेश महाराज नंदगांव में टेर कदम पे तो उनको छोड़ने नंदगांव जा रहा था तो मुझे रास्ते में बहुत सारी कथाएं बता रहे थे गुरुवर्ग की तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं इमलीतला में रहता था तो बाहर से कोई नेपाली भक्त आए हुए थे नेपाल के लोग बहुत भक्ति करते हैं तो वो बातें करते जा रहे थे कि तुम्हें पता है यहाँ पे इमली तला है और यहाँ पे सब लोग सिद्ध लोग रहते हैं तो कहते मैं उसकी बात सुन के एकदम से अंदर चला गया तो कहते स्थान का भी महत्व होता है उन्होंने बताया इसी तरह से हमारा जो रूप सनातन बोड़े मठ है वो कहाँ पे है वृंदावन में सेवा कुंज में जहाँ पे श्री जी जो सर्वोत्तम स्थान है तो उस सर्वोत्तम स्थान पे किसको जगह मिलेगी जिसका अधिकार है हमारे गुरुदेव ने ऐसी जगह पे हमें अधिकार दे दिया तो कितना बड़ा उनका तप है हमारे गुरुदेव का और यहाँ पे गोवर्धन में भी ये कुछ असाधारण जगह नहीं है गोवर्धन की गर्ग संहिता में कथा आती है ग्रंथ में कि एक बार एक जो एक व्यक्ति था वो मथुरा ग्वालियर से मथुरा आया किस कोई कर वसूल करने जब कर वसूल करके जा रहा था तो वो जंगल के रास्ते से हो लिया वापसी में और उसके हाथ में गिरिराज जी की शिला आ गई जैसे ही ब्रश से बाहर निकला तो उसके सामने एक बड़ा विकराल राक्षस दिखाई दिया उसको जब उसको वो राक्षस दिखाई दिया तो वो डर के उसने शिला ही पत्थर ही उसको मार दिया जैसे ही उस पत्थर ने उसको स्पर्श किया तो वो दिव्य देह धारण किया उसने उसके चार भुजा हो गई तो वो विपर बड़ा हैरान हुआ उसने उसको पूछा कौन हूँ यह कथा नारद जी सुना रहे हैं भोलाश्व को राजा भोलाश्व और गर्ग संहिता में तो वो विपर वो जो राक्षस है
जो कि अब क्या बन चुका है, दिव्य देह धारण कर चुका है, तो अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता है कि मैं एक वैश्य था, इस तरह से मैंने किस तरह से अपने माता पिता को मार दिया, वेश्या को घर में रख लिया, अपनी पत्नी को मार दिया, फिर मैंने वेश्या को भी मार दिया, कितने लोगों की मैंने हत्या की। तो उसने बताया कि मैंने 84 लाख योनियां ली, कितने 100 जन्मों में मैं भैंसा बना, कितने जन्मों तक सर्प बना रहा, इस तरह से उसने कथा बताई अपनी। और पता नहीं कहता ये गिरिराज जी की शिला का ऐसा महत्व है कि इसका स्पर्श पाते ही इसकी महिमा इतनी है कि मैं इस देह से मुक्त हो गया। कहता मैंने ब्रज में प्रवेश करना चाहा था लेकिन वहां प्रभु के पार्षदों ने मुझे भगा दिया, लेकिन गिरिराज जी की शिला का स्पर्श पाते ही क्या हो गया, मेरे सारे जो पाप थे वो सारे नष्ट हो गए। तो इतनी गिरिराज जी की महिमा है, उस जगह पे हमें स्थान मिला है। हमने क्या साधन किया है? कोई साधन नहीं किया। जैसे तो ये साधन से नहीं है, ये तो गुरुदेव की कृपा है। प्रभु महाराज जी अभी हमारी क्या इतनी बात कर रहे थे, हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे, जो भी कर रहे हैं हमारे गुरुदेव कर रहे हैं, वही हृदय में बैठ के हमें प्रेरणा देते हैं। तो अभी कल जैसे आज हम छोटी परिक्रमा में गए थे, एक छोटी सी कथा बता देता हूँ, अभी समय बहुत कम है, अब बहुत वैष्णव बैठे हैं। तो यहाँ की यहाँ पे तो गिरिराज जी में तो कितने संतों ने, कितने वैष्णव ने भजन किया, आज भी यहाँ गिरिराज की कंदराओं में कितने संत बैठ के भजन कर रहे हैं, जिनकी वजह से धरा पृथ्वी यहाँ पे खड़ी है। नहीं तो जितना पाप बढ़ गया है तो कब की कुछ हो के क्या हो गया होता। तो कहते हैं यहाँ पे जो गिरिराज जी है ये दो भागों में हमने देखा, जैसे जब हम जाते हैं गिरिराज जी में आते हैं तो दान घाटी पे दो भागों में दिखता है गिरिराज जी, एक बड़ी परिक्रमा और छोटी परिक्रमा। तो बड़ी परिक्रमा का जितना भी जो है स्थान है, यह सारा वल्लभ संप्रदाय के संतों ने यहाँ पे भजन किया। वल्लभ संप्रदाय में कौन हुए? वल्लभाचार्य जी, उनके पुत्र गोसाई विठलनाथ जी, और जैसे हमारी संप्रदाय में षड गोस्वामी है, इनकी संप्रदाय में अष्टछाप के कवि हुए हैं, सूरदास जी, कुंभन दास जी, परमानंद दास जी। तो यह स्थान उन सब संतों की भजन स्थली रहा, और इन संतों ने इतने भाव से भजन किया, जैसे हमारे गोस्वामी लोग भावावस्था को प्राप्त थे, इसी तरह से ये थे, इनका ऐसा भजन था। सूरदास जी परासोली में विराजते थे, जिस दिन सबसे पहले हमारी परिक्रमा जहाँ पे गई थी, परासोली गांव राजस्थली है चंद्र सरोवर, वहां पे रह के सूरदास जी ने 1.25 लाख पदों की रचना की ठाकुर जी ने। तो जिस दिन जिस टाइम उनकी 1 लाख पद पूरे हो चुके थे, रात को ठाकुर जी ने उनको बोला अभी आपके धाम में आने का समय हो गया है। तो सूरदास जी ने कहा प्रभु मैं आपके लिए 1.25 लाख पद लिखना चाहता था। तो ठाकुर जी कहते समय तो मिलेगा नहीं, लेकिन आपकी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। तो 25,000 पद ठाकुर जी ने स्वयं लिख दिया अपने ऊपर रात रात में, और पीछे लिख दिया सूर शाम, जो पद सूरदास जी के उनमें लिखा होगा सूरदास, जो पद की सूरदास जी के ऐसे पद है जिनमें सूर शाम आता है लास्ट में, तो वो पद ठाकुर जी ने लिखा है इस तरह से। और जिस दिन ठाकुर जी को जाना था, श्री नाथ जी का श्रृंगार हो रहा है और गोसाई विठलनाथ जी उनको श्रृंगार पहना रहे हैं, तो ठाकुर जी ने हाथ परे कर दिया, तो जय जय कह के बात करते थे। तो गोसाई जी कहते जय जय क्या हुआ? कहते आज मन नहीं है। कहते क्यों? कहते पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिसको दर्शन करने कर लो। ठाकुर जी उस दिन उदास हैं श्रीनाथ जी। और फिर क्या हुआ, गोसाई जी सब वैष्णव को लेकर सूरदास जी के पास गए। जब गए तो उन्होंने देखा सूरदास जी वक्षस्थल को नीचे ऐसे, जैसे कोई व्यक्ति सीधा ऐसे लेट जाता है, ऐसे लेटे हुए हैं उल्टा। तो किसी को लगा कि शायद इनको कुछ वमन हो गया, उल्टी हुई, तो इसीलिए ऐसे लेट गए। तो बोले सीधा कर दो। जैसे सीधा करने लगे तो बोले मुझे सीधा मत करो, सारा जीवन मैंने ब्रजभूमि को पीठ नहीं दिखाई, मैं जाते हुए पीठ दिखा के नहीं जाऊंगा। ऐसे ऐसे संत यहाँ पे हुए हैं। पहले सूरदास जी जब इनका जन्म हुआ है, फरीदाबाद के पास गांव है सीही गांव, वहां पे इनका जन्म हुआ। माता पिता ने जन्मांध थे, इनको घर से निकाल दिया था। ये आके सबसे पहले इन्होंने जो भजन शुरू किया वो आगरा के पास उनकता गाँव है, वहां पे इनकी स्थली है, वहां पे कुआ है जिसमें सूरदास जी गिर गए थे, और ठाकुर जी ने इनको हाथ पकड़ के बाहर निकाला था। जब ठाकुर जी ने हाथ पकड़ के बाहर निकाला तो सूरदास जी वैसे तो जन्मान थे लेकिन इनको दिव्य नेत्र थे, तो इन्होंने जैसे ही हाथ पकड़ा तो इनको समझ आ गया कोमल स्पर्श पाते कि ये तो कृष्ण है। तो ज्यादा पकड़ने लगे तो ठाकुर जी बाबा बाबा छोड़ो कह के बांह छुड़ा के भाग गए। तो उन्होंने कहा था बांह छुड़ा के जाते हो निर्बल जान के मोए, हृदय से जब जाओगे तो सबल जान हुआ तो। ऐसे संत हैं, ऐसे भक्त भगवान को क्या कहते हैं कि मुझे निर्बल जान के बांह छुड़ा के जाते हो, अगर मेरे हृदय से निकल के दिखाओ। और हम लोग जो विषय जीवों को कहते हैं प्रभु हमारे हृदय में आकर दिखाओ तब हम आपको सबल जानेंगे, क्योंकि हमारे हृदय में इतनी वासनाएं घुसी है, कथा में बैठ के भी हमारे हृदय में उधर की बातें आती रहती है। ऐसे संत सूरदास जी परासोली में रहते थे, वहां पे श्रीनाथ जी की कीर्तन की सेवा करते थे। एक दिन सूरदास जी के मन में आया कि राधा कुंड मेरे, उनके मन में इच्छा पैदा हुई कि मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करके आऊंगी, लेकिन उन्होंने एक धामवास लिया हुआ था। अब जगन्नाथ जी कहाँ है? जगन्नाथपुरी, तो वहां जाना पड़ेगा उड़ीसा। तो एकदम से उनको स्मरण आया कि जगन्नाथ जी का मंदिर यहाँ राधा कुंड पे भी है, जहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी जी की भजन स्थली है, जहाँ पे आज हम लोग गए थे।
तो सुखदास जी चल पड़े वहां से जतिपुरा से, जतिपुरा से चल के रघुना इधर राधा कुंड पे आ गए। राधा कुंड पे जैसे ही पहुंचे तो वहां अभी भी मंदिर है जगन्नाथ भगवान का। तो जैसे ही मंदिर में गए तो भी 10:30-11 बजे का समय था, मंदिर बंद होने का भी समय नहीं था, लेकिन ठाकुर जी ने आज्ञा दी पंडित जी को, पुजारी जी को, कि मंदिर के द्वार पट जो है बंद कर दो। तो पंडित जी ने कहा प्रभु अभी तो कोई भोग का समय भी नहीं है। भगवान कहते हैं, प्रभु कहते हैं देखो मेरा घर है, मेरी इच्छा है मंदिर बंद कर दो, तुम्हें क्या मतलब। तो उसने पट बंद कर दिए। सूरदास जी आए तो बोले पट क्यों बंद है। पुजारी कहते नहीं दर्शन नहीं होंगे आप जाओ। तो सूरदास जी कहते दर्शन क्यों नहीं होंगे, पट तो बंद होने का कोई समय नहीं है। तो कहते नहीं होंगे नहीं, तो वो समझ गए। तो उन्होंने उसी समय खड़े खड़े भगवान पर पद गाया, भरुक को कुटैला और जुठैला भी नहीं को खायो, मुनि भयो दास कहो याको काही दैया रे, चोरन को यार मुनि चोरी करे ठोर ठोर, निपट गवार कारे कामर को उड़ैया रे, धेनु को चरैया और चवैया सुखे चाऊरों को, राजनीति कहाँ जाने भीख को मंगैया रे, सूरदास गुणगान वरने कहा लो, जैसो जाको माई बाप तैसो जाको भैया रे। अब दूसरा पद उन्होंने गाना था दाऊ जी पे, बलदेव पे। तो जैसे उन्होंने गाना जैसो जाको माई बाप तैसो जाको भैया रे, तो दाऊ जी जो है वो बोलते हैं अरे अरे खोलो दर्शन दो बाबा, जाओ जाओ दर्शन करो जाओ। क्योंकि कहते हैं ना भगवान के नाम रूप, रूप गोस्वामी पाद ने क्या कहा उपदेशावत में, तन नाम रूप चरितादि सुकीर्त नानु स्मृत्यो कर्मे रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी कालम नियत अखिलम इति उपदेश सारम। कि सारे उपदेश का सार क्या है कि क्या करो भगवान के नाम रूप गुण लीला का चिंतन करो, और कहां पे रहो ब्रज में रहो, हर समय भगवान की स्थली पे रहो, और किसके संग में रहो उन अनुरागी जनों के जो कि भगवान के भक्त है। तो यहाँ पे सूरदास जी क्या कह रहे हैं, भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं, कितने व्यंग कैसे कर? कहते हैं ना भगवान के गुणों का वर्णन करो, तो कहते हैं भृगु को कुटैला, देखो ये वही है जिसको भृगु ने आके छाती में लात मारी थी, और जुठैला भिलनी को खाए, खाने को मिलता नहीं इसलिए भिलनी के झूठे बेर खाए, पुनी भयो दास, दास बन गया अर्जुन का और रथ हाँक रहा है, याको काही दैया रे, इसको कोई लज्जा नहीं है, चोरन को यार पुनी चोरी करे ठोर ठोर, चोर इसके यार हैं, घर घर जाके चोरी करता है, निपट गवार कारी कामर को उड़ैया रे, काली कामर को उड़ के निपट गवार बन के गैया चराने चला जाता है, धेनु को चरैया, धेनु को चराता है, और चवैया सूखे चावलों को, सुदामा के सूखे चावल चिवड़ा जो है वो खाया था, और धेनु को चरैया और चवैया सूखे चावलों को, राजनीति कहां जाने भीख को मंगैया रे। अरे जब कुरुक्षेत्र में युद्ध की बात पांडवों के साथ चल रही है, कुरुक्षेत्र में युद्ध होने की बात चल रही है, और ये शांति दूत बन के भीख मांगने चला गया पांच गांव, इसको राजनीति नहीं आती, राजनीति कहती है युद्ध करो, राजनीति कहां जाने भीख को मंगैया रे, सूरदास गुणगान वरने कहा लो, गुण का चिंतन कर रहे, कहते कितने गुण गाऊं इसके, जैसो जाको माई बाप तैसो जाको भैया रे, माँ बाप का भी पता नहीं है, कोई कहता है देवकी सुत है, कोई कहता है यशोदा सुत है, कोई कहता है नंद का है, कोई कहता है सुदेव का पुत्र है। तो इस तरह से जब ऐसे ऐसे संत यहाँ पे इन्होंने जहाँ पे भजन किया, कुंभन दास जी जिनके 7 पुत्र, 7 पुत्र उनकी बहुएं और एक पत्नी, 16-17 लोगों का परिवार, एक भतीजी उनके पास रहती थी उनकी, और जब गोसाई जी ने एक दिन पूछा आपके कितने पुत्र हैं, तो बोल रहे महाराज 1.5। कहते क्यों, कहते 7वें नंबर का चतुर्भुज दास है वो पूरा भक्त है, 6वें नंबर का कृष्ण दास है उसकी कुछ धर्म में रुचि है कुछ संसार में, इसीलिए मेरे 1.5 पुत्र है। तो वो सुन के बड़े प्रसन्न हुए, इतनी तुम्हारी भगवान में श्रद्धा है, ऐसे ऐसे संत हुए हैं यहाँ पे। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये कथाएं तो बहुत है यहाँ वृंदावन की, ब्रज की, गोवर्धन की, तो इतनी कथाएं हैं, अगर पूरे जतिपुरा की कथाएं लेके बैठ जाए बड़ी परिक्रमा की तो 4-5 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे, और इधर राधा कुंड की हमारे गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों की कथा लेके बैठ जाए तो पता नहीं कितने दिन निकल जाएंगे। लेकिन सार क्या है, सार यह है कि हम लोगों को इन कथाओं को सुनने का क्या, क्यों सुनाई जाती है इस तरह की कथाएं मधुर, कि हमारे हृदय में लोभ उत्पन्न हो जाए, फिर लोभ के बाद क्या करेंगे हम लोग, लोभ तो उत्पन्न हो गया लेकिन उसके बाद उस रस को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें साधन भजन करना पड़ेगा। इसीलिए गुरुदेव कहते थे, मैं भी पहले बहुत घूमा, हम लोग जो इंजीनियरिंग करके बहुत देर तक धक्के खाए कि कोई गुरु मिल जाए, कहीं कहीं गए लेकिन हमें कोई ऐसी जगह नहीं मिली जो हमें साधन में लगा दे, हमें कोई ऐसा संत नहीं मिला जो हमें 1-to-1 मैपिंग दे, हाँ हमें कोई प्रश्न है साथ के साथ उत्तर मिलेगा, वो हमें यहाँ पे आके मिला प्रभु जी के पास, हमारे परमेश्वर प्रभु हैं वृंदावन में रूप सनातन गोड़े मठ में, महाराज जी ने हमें आज्ञा दी कि आप जाके उनके पास संग किया करो, हम आते थे हर हफ्ते वृंदावन इधर उधर घूमते रहते थे, तो महाराज ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, परमेश्वर प्रभु के पास आया करो, उनसे कथा सुना करो। हम लोगों ने नित्य उनके हर हफ्ते आते उनसे कथा सुननी शुरू की, तब हमें पता चला कि साधन कहते किसको है, मेरे को माला करने में 10 मिनट लग जाते थे एक माला,
प्रभु जी ने ऐसा एक दिन बैठ के मुझे बोला, क्यों कैसे 10 मिनट लगते हैं कहते तुम्हें माला करने में, तुम नाम करो मैं तुम्हारी माला करता हूँ। सोचो ऐसे कौन करेगा, लोग लग जाते हैं संतों के पीछे, महाराज जी से मिलने का समय नहीं मिलता, महाराज जी सारा दिन अपने कमरा बंद करके बैठे रहते हैं। हमारे संत ऐसे संत नहीं है, सारा दिन अपना टाइम आपको देंगे, ऐसे संत हमें कहाँ मिलेंगे। हम लोग इनको क्या दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते हम इनको। महाराज जी हमें कह रहे हैं तन मन धन से कुछ नहीं कर रहे हम सेवा, ये तो सेवा तो सारी इनकी कृपा कर रही है, ये दे रहे हैं हमें अपना सारा समय, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा बहुत आगे बढ़ पा रहे, नहीं तो हमारा जीवन कैसा है, सारा पूरा विषय रस और कुछ है ही नहीं। यहाँ कहाँ भक्ति की ज्वाला जलेगी, ज्वाला जलेगी भी तो उस विषय रस में गीली हुई लकड़ी को नहीं सुखा पाएगी, उसको नहीं जला पाएगी। ये तो इनकी कृपा है जो हम लग पा रहे हैं, इसीलिए हम इनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना, नहीं तो हमारा तो वही हाल है, जितनी देर यहाँ पे हैं तब तक ठीक है, नहीं तो फिर वही हाल शुरू हो जाता है। इसीलिए आप हमें हम पर इतनी कृपा रखना सब संत वैष्णव, ताकि हम लोग इसी भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सके, साधन में हमने हमारी रुचि हो सके, साधन हम कर सके, जिससे हमें भी उस प्रेम की प्राप्ति हो, हम भी कुछ सेवा के लायक बन सके। वांछा गंतव्येषु कृपा सिंधु पतिता नाम पावन अनुपम भला अनुभव बोलने के लिए काली कल कभी आता है कल फिर कल बोलो दिवाली में जाना है ओम ज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरु पाद पद्म पूज्य पाठ श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि नमन प्रणाम करता हूँ। तदपरांत नित्य लीला प्रविष्टों विष्णु पाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंदों में मेरा अनंत कोटि नमन प्रणाम। यहाँ उपस्थित पूज्य पाद विजय कृष्ण प्रभु संजय प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम, पूज्यपाद रामचंद्र प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, तथा यहाँ उपस्थित माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। गुरु जी ने आज्ञा दी है कुछ हरि कथा सुनाने के लिए, जैसे आज की जो परिक्रमा जो कार्तिक व्रत चल रहा है। गुरु जी ने बोला था राधा कुंड के विषय में, जब सुबह हम जा रहे थे तो गुरु जी ने आज्ञा दी थी कि जब राधा कुंड में जाएंगे तो वहां जो कथा होगी उसको ध्यान से सुनना, नोट करना, फिर जब मैं कभी बोलूंगा तो उठ करके कथा को बोलना। मैंने बहुत ध्यान से सुना लेकिन वहां ज्यादा कथा हुई नहीं आज, लेकिन वो बंगाली में हुई ना और समझ में नहीं आई, लेकिन लेकिन मैं सोच रहा था कि जो प्योर भक्ति में से गुरुजी का कुछ लेक्चर निकाल के राधा कुंड में पढ़ लू, तो मैं जब निकाल रहा था तो उसमें गुरुजी ने दिवाली के दिन क्या लेक्चर दिया वो निकल करके आया 2002 में दिवाली पे। बड़ी अच्छी बात बड़े गुरुजी ने उसके अंदर में बोली, मेरे को भी अच्छी लगी। मैं आपको भी बता देता हूँ, उसमें बताया बड़े गुरुजी ने कि दीपावली का क्या अर्थ है। दीपावली उन्होंने बताया, पहले बताया धनतेरस, दीपावली से पहले क्या आता है धनतेरस, पहले धनतेरस का अर्थ बताया। बोला धनतेरस, साधारण लोग सोचते हैं कि उस दिन धन अर्जित करना, किसी प्रकार धन की पूजा करना, उसको धनतेरस बोलते हैं। लेकिन बोला ये ब्रजवासियों का मूड नहीं है, ब्रजवासियों का ये भाव नहीं है। ब्रजवासियों का क्या भाव है? बोला ये जो प्रेम धन है ये सबसे बड़ा धन है, जो प्रेम धन है ये सबसे बड़ा धन है, और इस धन को जैसे तैसे अर्जित करना ही धनतेरस को वास्तविक रूप में मनाना। ये बड़े गुरुजी ने ये बात बोली। फिर बोले दीपावली, दीपावली का अर्थ होता है प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश। जैसे हमारा जीवन अंधकारमय, हमारा जीवन अंधकारमय, जैसे गुरु वैष्णव के अनुगत्य में जैसे तैसे हमारे जीवन में प्रकाश को लेकर के आना। इसलिए जो गुरु जी का जो प्रणामी मंत्र उसमें बोलते हैं ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकय। गुरु जी ज्ञान रूपी प्रकाश को हमारे जीवन में लेकर के आते हैं,
इसलिए बोला दीपावली का अर्थ होता है प्रकाश की ओर बढ़ना। किसकी ओर बढ़ना? प्रकाश की ओर बढ़ना। लेकिन प्रकाश की ओर बढ़ने में गुरुजी ने बड़ी सुंदर बात बताई, बोला प्रकाश स्वरूप कौन है? बोला श्रीमती राधिका रानी। इसलिए ये जो व्रत है इसको कौन सा व्रत बोलते हैं? ऊर्जा व्रत। कौन सा व्रत बोलते हैं इसको? ऊर्जा व्रत। उज्जेश्वरी श्रीमती राधिका रानी। इसमें उन्होंने एक बात बोली, भर्गो देवस्य यदि मही, मतलब ये जो देव उनका जो प्रकाश में श्रीमती राधा रानी, उनकी शरण में हम लोग आकर के ये ब्रजमंडल परिक्रमा ये जो कर रहे हैं, जा करके जो कथाएं सुन रहे हैं, समझ लो हमारा जीवन जो अंधकार में है अब वो प्रकाश की ओर जा रहा है। अस्तोमा सदगम्या तमसोमा ज्योतिर्गम्या। ये उस विषय पे महाराज जी ने बड़ी सुंदर दीपावली के ऊपर, वो लेक्चर बहुत ही सुंदर था, उसमें से जो मुझे याद आया मैंने बता दिया। रही राधा कुंड की बात, तो मेरे को तो पता था मेरा नंबर आएगा, इसलिए मैंने राधा कुंड अष्टकम पढ़ा। उसमें राधा कुंड का जो प्रकाश हुआ उसकी छोटी सी कथा मैंने पढ़ी, उसमें गोपाल चंपू की कथा लिखी हुई थी। उसने बताया महाराज जी ने तुम्हारा कथा सुनाई थी, उसमें लिखा है कि जो अरिष्टासुर का जब वध कृष्ण ने कर दिया, अरिष्टासुर का वध करने के बाद में राधा रानी गोपियों ने बोला कि तुम तो बहुत प्यारे हो, कृष्ण को बोला आप बहुत प्यारे हो, आप हमारे पास मत आइए, हम आपको नहीं छू सकते, जो बहुत प्यारा जो गोवंश जिसके लिए हम लोग जीते, गाय का पालन करते हैं, गौ का दूध दही से हमारा जीवन चलता है, और उस तुमने उसी को मार दिया, तुम पापी हो, हमारे पास में नहीं आना, उसमें लिखा हुआ है। तो कृष्ण जो बोलते हैं, बोला ठीक है पाप से कैसे, बोला सभी तीर्थों में स्नान करो। कृष्ण तो स्वयं भगवान कुंड प्रकाश करके सारे तीर्थ का जल लाकर कृष्ण उसमें स्नान करते और बोलते हैं कि देखो मैंने तो सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। तो ये जो उसके अंदर जो विशेष बात लिखी थी वो ये लिखी थी, गोपियां बोलते हैं कि तू कौन सी बड़ी बात कर दी तीर्थ में स्नान करके, कौन सी बड़ी बात कर दी, तुमने तो पाप किया था, अपने पाप को धोने के लिए, अपने पाप से मुक्त होने के लिए तुमने तीर्थ प्रकट किया और स्नान कर दिया। कृष्ण ने बोला देखो मैंने तो ये एक पुण्य का काम किया है, मैंने ये पुण्य का काम किया है कि एक तीर्थ को प्रकट कर दिया और सारे तीर्थ यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ सदियों तक लोग स्नान करेंगे, तीर्थ का मैंने प्रकाश कर दिया, आपने ऐसा कौन सा कार्य किया है? राधा रानी को कृष्ण बोलते हैं आपने ऐसा कौन कार्य किया, ऐसा कौन सा कार्य किया है जिसको गुणशाली लोग काफी समय तक बोलेंगे कि देखो ये भी कोई कार्य राधा रानी ने किया। राधा रानी बोली तुमने, तुम्हारी तो आवश्यकता थी जो तुमने उसका वध किया, जो अरिष्टासुर था जो बैल का रूप बना करके आया था उसको कृष्ण ने वध किया, बोला तुम्हारी तो आवश्यकता थी, हमारी तो कोई ऐसी आवश्यकता नहीं। तब कृष्ण वहां पे एक बात बोलते, बोला देखो अगर आप ही कहते हैं कि मैंने उसका वध किया, मेरे उस पाप अगर गौ हत्या का पाप मेरे ऊपर है, तो देखो जो जो प्रजा होती है, प्रजा जो भी पाप करती है उसका जो एक अंश में उसका पाप राजा को भी लगता है, किसको लगता है? राजा को भी लगता है। और ब्रज के राजा कौन है? ब्रज की रानी कौन है? कौन है? श्रीमती राधा रानी। इसलिए बोला आप पर भी ये पाप लगा, आप पर भी ये पाप लगा है, इसलिए आप भी अपना कुंड को प्रकाश करो और उसमें स्नान करो। इसलिए राधा रानी फिर ये बड़ी अच्छी कथा थी, मेरे को नई लगी, मेरे को अच्छा लगा, इसलिए उसके बाद में राधा रानी ने कुंड का प्रकाश करके और हम सबको धन्य कर दिया, हम लोग भी वहां पर जाते। निताय गौर प्रेमानंदे हरि। हरे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य श्री गौर भक्त वंदिते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे परम आराधितम गुरुपाद पद्म विष्णु पाद परम चक्रवर्ती अष्ट त्रिशत शिष्य मात भक्तिवेदांत श्री सिद्धेव श्री महाराज जी चरण कमलों में कोटि नमन अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला विष्णु पाद अष्ट त्रिशत शिष्य मात भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी समस्त रूपानुवाचार्य वृंद उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद भक्त वृंद श्रीपाद विजय कृष्ण प्रभु श्रीपाद रामचंद्र प्रभु श्रीपाद संजय प्रभु श्रीपाद जगनंदन प्रभु सभी के चरण कमल में वंदना करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वृंद वैष्णव ने सभी के चरण कमल में वंदना करता हूँ। श्री गुरु महाराज जी आदेश दिए हैं कुछ कथा बोलने के लिए, तो
राधा कुंड के तट पर एक समय एक कथा हुआ था जो कि चाटू पुष्पांजलि में ये वर्णन आया है कि एक समय श्री रूप गोस्वामी पाद जी और श्री सनातन गोस्वामी पाद जी हरि कथा में बड़े मग्न थे। रूप गोस्वामी पाद जी बहुत सुंदर सुंदर राधा कृष्ण लीला परक काव्य आदि रचना करते थे और श्री सनातन गोस्वामी पाद जी को दिखाते थे। तो एक समय श्री सनातन गोस्वामी पाद जी जब रूप गोस्वामी पाद जी जब चाटू पुष्पांजलि ग्रंथ जब लिख रहे थे तब सनातन गोस्वामी पाद जी देखे और उसमें राधा रानी का बड़ी अपूर्व सुंदर सौंदर्य का वर्णन था। उसमें एक एक लाइन था उसमें कि राधा रानी का जो केस है उसको जिसे सांप है उसका जो नाग सांप है उसका खून का जैसा वर्णन किया था। तो सनातन गोस्वामी पाद जी को ये चीज थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि राधा रानी जो इतने सुकोमला है इतने राधा रानी है और इनका जो केस का वर्णन ऐसे जो विषधर सांप के साथ वर्णन। तो उन्होंने रूप गोस्वामी को ये कहा कि इसमें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो रूप गोस्वामी बड़े नम्रता पूर्वक बोले ठीक है आप इसको मार्जित कर दीजिए इस त्रुटि का संशोधन कर दीजिए। तो सनातन गोस्वामी पाद जी ने कहा ठीक है। तो इस पर सनातन गोस्वामी पाद जी जब वहां से गए तब उन्होंने देखा कि राधा कुंड के तट पर वहां पर झूला में बैठे हुए थे कुछ जो ब्रज बालिकाएं बैठे हुए थे और एक जो किशोरी थी बड़ी सुंदर किशोरी थी उसका केस जो है केस लटका हुआ था और केस में लग रहा था मानो कि एक जैसे कोई सांप काला सांप लगा हुआ है। तो सनातन गोस्वामी पाद जी ने जोर जोर से उनको बुलाए कि हिलाली हिलाली वहाँ सांप है। तब जाकर पास में जब देखा सारे सब कुछ गायब मतलब वहाँ पर कोई झूला नहीं था और जो ब्रज बालिका जो थे जहाँ पर झूला लीला करे थे वहाँ पर कोई नहीं है। तो सनातन गोस्वामी पाद जी को बड़ा विस्मित हुआ बोले ऐसा क्यों मैंने देखा। तब उनको यह स्मरण आया कि रूप गोस्वामी को आज ही मैंने क्या किया था आज ही मैंने उनको ये बोला था कि ये जो उपमा है राधा रानी का जो केश का उपमा ये कुछ सही नहीं लग रहा परंतु राधा रानी आज स्वयं आकर यहाँ इस चीज को प्रमाणित कर दिया कि नहीं रूप गोस्वामी पाद जी ने जो इसको वर्णन किया है ये पूरी सत्य चीज ही वर्णन किया है। तो सनातन गोस्वामी पाद जी और उसको उस त्रुटि को संशोधन नहीं किए फिर जाकर पुनः रूप गोस्वामी पाद जी को ये बात बताया। तो यही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। उसके पश्चात यहाँ हमारे जितने वैष्णव बैठे हैं श्रीधर महाराज जी विजय कृष्ण प्रभु रामचंद्र प्रभु संजय प्रभु सबके चरणों में हरे कृष्णा। मैं तो आज पहली बार ये कार्तिक मास की जो परिक्रमा चल रही है पहली बार आया लेकिन महाराज जी ने तो कहा कि तुम कुछ बोलो। ये बच्चों ने प्रभु जी ने बहुत कुछ बोल दिया लेकिन मेरा जन्म भी ब्रज के आसपास ही हुआ और ब्रज में खूब आना जाना हुआ लेकिन जब से हम गुरुपाद पद्म से जुड़े जब से पता लगा कि वास्तव में इस ब्रज की महिमा क्या है गिरिराज जी की महिमा क्या है ठाकुर जी को क्या जरूरत पड़ गई इस गिरिराज जी को उठाने की। तो बीच बीच में हम जब आते रहते थे तो सुनते थे कि अब ठाकुर जी जैसे उनको काम मिल गया गाय चराने का भाई जिस परिवार में वही काम तो करेंगे। अब सुबह गाय चराने जाते हैं जब गाय चराने जाते हैं तो ब्रज की जो गोपियां हैं उनके दर्शन के लिए बहुत तड़पती हैं दर्शन करने के लिए सुबह इंतजार करती हैं कि अब लाला सुबह गाय चरावे आ बैठो। तो कोई खिड़की से झांक रही है कोई छत से झांक रही है कोई किवाड़ के बीच से झांक रही है चूंकि हमारे ब्रज में घूंघट भी करते हैं ऐसे आ भी नहीं सकती एक साथ से। तो जब चले जाते हैं जब सुबह थोड़ी सी देर के लिए आए और चले गए जंगल में पूरे दिन फिर इंतजार उस जो दर्शन किया है उसी का चिंतन करती हैं पूरे दिन।
और जब चिंतन करती हैं तो फिर शाम का इंतजार करती हैं कि शाम को आएगा तो फिर दर्शन होगा। अब शाम को जब कृष्ण आ रहे हैं और गायों के पीछे पीछे आ रहे हैं और गौधोली जो धूल उड़ रही है गाय, फिर उनका वही मन कृष्ण दर्शन के लिए आए, थोड़ा सा दर्शन हुआ, चले गए नंद भवन में, फिर मैया के पास चले गए, पूरी रात फिर नंद भवन में रहे, फिर सुबह का इंतजार कि सुबह आएगा तो फिर दर्शन करेंगे। तो जब भगवान जब ऐसी लालसा देखते हैं भक्तों की कि ये मेरे दर्शन के लिए, और इतना सुंदर रूप कृष्ण का कि जिस अंग पर जिनकी दृष्टि पड़ जाती है केवल उसी अंग को देख पाती हैं और दूसरे अंग को नहीं देख पाती, जब इतनी जिज्ञासा बढ़ गई कि मेरा हमारा इनका दर्शन पूर्ण रूप से कब होगा, चूंकि सुबह जाते हैं शाम को आते हैं फिर नंद भवन में घुस जाते हैं फिर मैया के पास रहते हैं, तो जब ये जिज्ञासा जब होती है तो इन भक्तों की जिज्ञासा पूरी करने के लिए भगवान क्या करते हैं, फिर एक लीला करते हैं और गोवर्धन धारण कर लेते हैं। इंद्र का मान मार्जन करने के लिए, इंद्र का मान मार्जन करना कोई बड़ी बात नहीं है, पहले हम सोचते थे कि भाई इंद्र ने ऐसा अपराध किया तब ठाकुर जी ने ये सब गोवर्धन धारण लीला करी, लेकिन जब रसिक वैष्णव के पास आते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो ठीक है, लेकिन वास्तव में जो ब्रज भक्तों की जो जिज्ञासा है, लालसा है ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए, उसको पूरी करने के लिए ठाकुर जी गोवर्धन धारण कर लेते हैं, जिसमें ब्रज की जितनी गोपियां हैं ब्रजवासी हैं, अब वो तो एक जगह खड़े हो गए और ऊपर धारण कर लिया, अब ब्रज की गोपियां सारी सामने आ गई, अब उनकी जो इच्छा थी हृदय की कि भाई इनका दर्शन ही नहीं होता पूरे रूप का, तब सात दिन और सात रात लगातार खड़े हैं आमने सामने, अब ये ऐसा मौका दिया इस लीला से ब्रज गोपियों को कि भैया पूरे अच्छे से तुम दर्शन कर लो, अब तो न तुम बाहर जा सकते ना हम बाहर जा सकते। तो ऐसी ये जो मधुर मधुर जो रसिक लीला है, हमने गुरुपाद पद्म से जब से उनकी शरण में आए तब से ये सुनी, बाकी ये जो लीला है ऐसी रसिक लीला जो मिलती है वो केवल ब्रज के अंदर, में सच बता रहा हूं केवल हमारी जो गौड़ीय संप्रदाय है इसी में ये सब लीला ये कथाएं रसिक कथाएं ये सब मिलती हैं, और जगह में तो फिर वही ऊपर ऊपर की बात बता देते हैं। ठीक है मैं इतनी बोलूंगा, बांछा कर प्रभुज कृपा सिंधि बच्चा वंदे अहम श्री गुरु श्री युद्धपद कमलम श्री गुरु वैष्णव श्री रूप सागर जात सहगण रघुनाथ निमित्त तम सजीव साधम सवधूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्विता अज्ञान तिमरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नाम्ने श्रीकृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुरे गुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं नमोऽस्तु नमामि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवत्सल गौर भक्त बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित पूज्यपाद भक्ति विदान श्रीधर महाराज जी के चरणों में पूज्यपाद विजय कृष्ण प्रभु पूजा संजय प्रभु और साथ में इन छोटे छोटे बच्चों के जो अभी कथा कर रहे थे और जो अभी कथा करेंगे सबके चरणों में मेरा करेंगी और उन सबके चरणों में मेरा और जो यहाँ सदा कथा सुन रहे हैं और सुनेंगे उनके चरणों में भी मेरा यथा यथ दंडवत प्रणाम।
हैया चैन हई वेन प्रभु जत दास सवार चरण बंदो दत्ते करी अभी कुछ बात विजय कृष्ण प्रभु कह रहे थे कि कैसे स्नान करना चाहिए राधा कुंड में। तो मैं जब गुरु महाराज जी के साथ आता था तो उनकी तबीयत तो होती थी ठीक नहीं खराब होती थी, लेकिन राधा कुंड को देखते ही उनको बस उसमें स्नान करने की ऐसी सुरना होती थी, खटाक से कपड़े उतारने लग जाते थे। मैंने उनको बड़े प्रेम से स्नान करते हुए देखा है और माधव महाराज जी के द्वारा उन्हें रोकते हुए भी देखा कि नहीं महाराज जी आज सिर पे पानी आते ही आपको फिर साइनस हो जाएगा, तो फिर रुके भी, लेकिन उनको स्नान करने की बड़ी उद्दीपना होती थी। तो इस चीज का उन्होंने एक चीज बताया कि ये देखो सारी चीज भावात्मक है, भाव से हम इधर और भाव से हम उधर हो जाते हैं और वैसे हम वहीं पे होते हैं जहां पे होते हैं। वही शरीर वही घर तो है हम वही, लेकिन भाव से ही हमारी बदलाव हो जाता है। एक चीज को भोग भाव से ले लें, एक चीज को सेवा भाव से ले लें। अगर हम राधा कुंड को सेवा भाव से लेंगे और अगर उसको हम भोग भाव से ले, तो जब विदेशी लोग आते थे ना वो क्या करते थे, और डाइव मारते थे, छलांग मारते थे और तैरते हुए उधर पार तक चले गए फिर वापस आ गए, ये भोग भाव है। लेकिन ये दादाजी हैं, हमने प्रणाम किया, हमने चरण लिए, तो एक जैसे बच्चा माँ बाप के सिर पे गोदी में होता है तो उसके पैर और उस माँ के सिर पे ही लगे होते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं होता, ऐसे ही हम लोगों के पालन पोषण करने वाले और हम लोगों के प्रियजन, हमने डाइव मार दी अंदर चले गए, अब तो अंदर बाहर ऊपर नीचे सब जगह सर्वस्व वही है, कौन राजा रानी है। तो इसी भाव से हम सेवा करेंगे उनकी तो भाव चेंज कर देने मात्र से फर्क पड़ जाता है। ये वही राधा कुंड में रोज रात को, रोज नहीं जो बहुला अष्टमी होती है रात को आके स्नान करता था जब मैं इस्कॉन में था। और एक दिन गुरु महाराज जी के पास पहुंच गए रात के 10 बजे, क्योंकि स्नान करने आने थे तो 12 बजे आना होता था, तो टाइम होता था खाली होता था, तो 9:30-10 बजे के करीब में मथुरा पहुंच गया अकेला। महाराज जी एकदम सोने के लिए जा रहे थे, तो मैंने बड़ी खुशी कहा कि आज तो बहुला अष्टमी है, सब लोग रात को स्नान करते हैं, आप लोग नहीं करते हैं। महाराज जी ने कहा हम तो नहीं करते हैं, लेकिन वहां पे जाओगे तुम्हारी कोई इच्छित मनोकामना पूरी हो जाएगी, तुम्हारी क्या मनोकामना है। मैंने कहा मेरी मनोकामना है मैं खूब प्रचार करूं, खूब लोगों को भक्त बनाऊं, जिसको मिलूं वो भक्त बन जाए, और क्या कहते हैं मेरा परिवार भी भक्त बन जाए, मेरे अंदर खूब गुरु सेवा हो, ऐसे करके ना 6-7-8 जितने भी भक्ति की चीजें हैं मैंने बोल डाली। गुरुदेव बोलते हैं भावरे भाव डिप एक गोता एक लगाओगे और इतनी सारी कामनाएं हैं तुम्हारी, ऐसे काम चाहिए। मैं सिर को जलाने लगा, बोले तुम्हारी हालत तो ऐसी है। एक आदमी था गांव का लड़का, गरीब, जबरदस्त गरीब, उसके पास कुछ खाने को नहीं था, उसके माँ बाप थे वो भी अंधे थे, लेकिन उसकी वहाँ उसको वहाँ की सबसे बड़ी अमीर जमींदार के बेटी से प्यार हो गया। अब वो बड़ा परेशान, शादी कर नहीं सकता क्योंकि वो पैसे वाली थी और इधर माँ बाप अंधे। किसी ने कहा भोलेनाथ को खुश कर दोगे तो तुम्हारा जल्दी काम हो जाएगा। उसने तपस्या की, भोलेनाथ जी खुश हो गए, बोलते हैं एक वर मांग लो। तो शिव जी कहते हैं एक वर मांग लो, तो बोलते जी एक वर से मेरा काम नहीं चलेगा, मेरे माँ बाप बंदे हैं, एक वर मुझे शादी करनी है, दूसरा वर मैं बहुत गरीब हूँ, वो गरीबी हटे, 3 वर कम से कम चाहिए तब मेरा काम बनने वाला है। एक डिप 3 काम, डिप क्या, भोलेनाथ को खुश कर। तो भोलेनाथ जी ने तो 3 वर के लिए हामी नहीं भरी। अब वो बोलते हैं अच्छा मुझे 3 दिन दे दो फिर मैं मांग लूं। बोलते हैं हाँ 3 दिन दे सकता हूँ पर वर एक ही मांगना पड़ेगा। वो वृंदावन आ गया, वहाँ गौड़िया मठ होते हैं, तो हमारे गौड़िया मठ में चला गया होगा, महाराज जी जैसे लोग मिल गए, महाराज जी खुद बदला रहे हैं। तो महाराज जी ने बोला कि जैसे ही उसने कहा कि मुझे शिव जी खुश हो गए हैं, वो मुझे एक वर देने के लिए तैयार हैं और मैं क्या मांगू, मेरी ये समस्या है, तो
उन महाराज ने उसको थप्पड़ मारा, बेवकूफ कहीं का शिव जी तैयार हुए बैठे हैं और तू यहाँ संसार की चीजें मांग रहे हैं। बोलते जी अब तो मांगनी ही है, आप ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, उसके बाद मैं आपकी शरण में आ जाता हूँ। तो उन्होंने उसके कान में कुछ कहा, वो बड़ा खुश हो गया, आ गया शिव जी के पास। तो शिव जी ने पूछा, हाँ भाई एक बार मांग। बोलते मैं ये वर मांगता हूँ कि मेरे माता पिता बहुत बड़े महल में अपने पोते को सोने के थाल में खाना खाते हुए देखें। तो एक ही एक ही एक ही वर में क्या हो गया, तीनों की तीनों चीजें मांग ली। तो शिव जी खुश हुए, बोलते तू किसी वैष्णव के घर चला गया होगा, उनसे पूछ लिया होगा, इतनी कुशाग्र बुद्धि उन लोगों की होती है। तो मैं बैठ गया उनके चरणों में, मैंने कहा महाराज जी अब ये बताऊं मैं क्या वर मांगू। तो बोलते हैं बस एक ही वर मांगो कि मुझे शुद्ध रसिक वैष्णव का संग मिले, एक बार क्या मुझे शुद्ध रसिक वैष्णव का संग मिले। अगर हम यही वर मांगते रहेंगे तो काम हो जाएगा। मैं तो इस्कॉन में था, कभी कभी महाराज जी के पास आता था। मैंने इस बार जब डिप लिया तो यही मांगा, मुझे शुद्ध रसिक वैष्णव का संग मिले, और ऊट पटांग चीजें कुछ नहीं मांगी। वो ऊट पटांग नहीं थी, वो भी भक्ति से संबंधित थे। मैं बताऊं जादू की तरह मैं विद इन 2-3 months इतनी तेजी से महाराज जी के पास हो गया, हालात ऐसे आ गए। 10-15 दिन बाद फिर वृंदावन आया, फिर महाराज जी से मिला, फिर महाराज जी दिल्ली आ गए, वो क्या कहते हैं हमारे बुद्धि राजा जी के घर में, उनके साथ 5 दिन लगातार बैठा रहा, और धीरे 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 कुछ ही महीनों में मैं 100% उनके पास आ गया। तो देखो जो चीज हो सकती है वो मांगो तो मिल जाएगी, अब जो हो नहीं सकती है वो मांगो। जैसे आप नीम के पेड़ के नीचे बैठे हो, आम का हो जाए, आम का हो जाए, आम का हो जाए, आम का हो जाए, तो वो कभी नहीं होने वाला है। लेकिन मैं आपका हो जाऊं, आपका हो जाऊं, ये हो जाएगा। जो चीज हो सकती है वो मांगोगे तो हो जाएगा, और जो नहीं हो सकती है उसे मांगोगे तो कैसे होगा, और उसका ज्यादा परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। देखो संसारी चीजें बतलाता हूँ, महाराज जी भी यहाँ बैठे हैं, वैष्णव लोग बैठे हैं, बोलनी नहीं चाहिए। लेकिन अभी हमने सुना राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ है, बहुत पावरफुल है, और उनसे हम शुद्ध रसिक वैष्णव का संग मांगे। कुछ चीजें हैं मैं बताऊं, भौतिक जगत में एक कथा आती है, भौतिक जगत में लैला मजनू की, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लैला जो थी वो बहुत ही बदसूरत और काली थी, तो किसी ने मजनू से पूछा भाई तुम इसके प्यार के चक्कर में कैसे फंस गए, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं जिससे प्यार किया जाए। बोलते बस ऐसे ही था, रोज हम किसी तरह से दूध लेने के लिए जाते थे, मिलते रहते थे, मिलते रहते थे, मिलते 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 प्यार हो गया। मैं सोचने लगा जब लैला से मिलते मिलते प्यार हो सकता है तो वृंदावन से मिलते मिलते प्यार नहीं हो सकता क्या, गोवर्धन से मिलते मिलते प्यार नहीं हो सकता। हमको एक ही काम करना है, वैष्णव से मिलते रहना है, वृंदावन से मिलते रहना है, गोवर्धन से मिलते रहना है। जो चीज सुंदर है, अति सुंदर है, खूबसूरत है, दिखाई नहीं दे रही है, वो सिर्फ इसलिए हमारी नहीं हो पा रही है क्योंकि हम मिलते मिलते वाला काम अभी नहीं कर रहे हैं। अभी हम मिलते हैं अपने घर वालों को, अभी हम मिलते हैं अपने परिवार वालों को, अगर हम बार बार इस स्थान पे आते रहें, मिलते रहें, तो हमको अवश्य ही प्यार हो जाएगा, ये बात पक्की है। और इसी ही चीज को ध्यान में रखते हुए देखो एक चीज और है कि हम यहाँ आते रहे, ऐसे रहने से हमारे अंदर प्यार हो जाएगा, हमको भगवान से प्रेम करना, ये विचारधारा लानी भी बहुत जरूरी है, नहीं तो ये विचार ही नहीं आएगा। विचार आएगा अरे घर बैठे भक्ति हो जाती है, बाहर जाने की जरूरत ही क्या है। इस विचार को साधु लोग देते, साधु लोगों से विचार आता है, और विचार के बाद फिर जब हम बार बार मिलते रहेंगे उससे प्रेम हो जाएगा। हम बार बार गोवर्धन आए, बार बार गिरिराज जी की परिक्रमा करें, राधा कुंड श्याम कुंड में स्नान करें, मिलते रहें, लीलाओं का ध्यान करें, फिर अपने घर में भी बैठ के उसका ध्यान करें, तो बार बार मिलते रहना हो जाएगा, बार बार मिलते रहना हो जाएगा। पॉजिटिव चीज से मिलेंगे तो पॉजिटिविटी मिलेगी, और नेगेटिव चीज से मिलेंगे तो नेगेटिविटी मिलेगी। हम नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी को छोड़, कोई कहता है कि नेगेटिव थॉट है अपने नुकसान अपने हानि के बारे में सोचो, नेगेटिव थॉट,
कोई कहता है पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, क्या मतलब है? अपने फायदे और लाभ के बारे में सोचो, वो बी पॉजिटिव। लेकिन सच्ची बात यह है कि भगवान के बारे में सोचो, वैष्णव के बारे में सोचो, धाम के बारे में सोचो, दिस इज रियल बी पॉजिटिव, ये असली बी पॉजिटिव है। और ज्यादा गप्पे में नहीं मानना चाहूंगा, इतना ही काफी है। गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णु पाद अष्टोत्तर शिष्य मद भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित पूज्य पाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी, पूज्य पाद रामचंद्र प्रभु, पूज्य पाद विजय कृष्ण प्रभु, समस्त वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में मेरा जथा योग्य दंडत प्रणाम। आवाज आ रही है पीछे तक? बड़े सारे तत्वों को आप लोगों ने सुन लिया, समय हो गया। कितना समय है जी? 6 बजे। मैं दो एक बात बस आपको गुरु महाराज जी की और शिला प्रभुपाद जी की कुछ जो रह गई, क्योंकि प्रभुपाद जी की वाणी जब तक ना सुने तो ऐसा लगता है कोई भी विषय अधूरा है। यदि प्रभुपाद जी की वाणी उस विषय पर ना सुनी जाए तो ऐसा लगता है कि वो विषय अधूरा है। और वास्तविकता ये भी है कि हमारे परम गुरु महाराज जी कहते हैं कि शिला प्रभुपाद जी का विचार वैशिष्ट है, एक ऐसी चालनी के समान है जिसमें से सब शास्त्रों का वेद वेदांत का सार छन के आता है। शिला प्रभुपाद एक राधा कुंड के विषय में प्रभुपाद जी ने 4 पंक्तियां कही हैं। यदि उस 4 पंक्ति को सुन ले तो ऐसा लगता है वो सारी बातों का सार है, उससे श्रेष्ठ ना कुछ है ना कुछ हो सकता है। मैं दो एक बात आपको बताऊं, श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने उपदेशामृत में राधा कुंड की महिमा लिखी, अन्य अन्य स्थानों पर भी लिखी, हम लोग सुनते हैं। एक श्लोक उन्होंने लिखा, वो कहते हैं कृष्ण सयोच्चय प्रणय वसति प्रेयसी वयोपि राधा कुंडम चास्या मुनि विरभित स्तादृगे व्यधायी यत प्रेष्टे रप्यरम असुलभम किम पुनर्भक्ति भाजम तत् प्रेमेदम साकृदपि सराह सनातुर आविष्करोति। हमारे गुरु महाराज जी कौन सुन रहे थे और गुरु महाराज जी बड़ी अभूतपूर्व व्याख्या कर रहे थे श्लोक की, ये कहते हुए कि कृष्ण सयोच्चय प्रणय वस्ति, समझने की बात है, और कहां पर जाकर ये राधा कुंड की महिमा पूर्णता को प्राप्त होगी। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के वैशिष्ट विचार वैशिष्ट पर हमने सुना ही नहीं आज तक। श्री राधा कुंड की जो महिमा जो बात उन्होंने कही ऐसी सुनी ही नहीं आज तक। क्या अद्भुत बात प्रभुपाद जी कहते हैं, हम उसको सुनेंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गुरु महाराज जी कह रहे हैं कृष्ण सयोच्चय प्रणय वसति, कृष्ण के अत्यंत उच्च प्रेम की जो पात्री हैं, प्रीति स्नेह की जो पात्री हैं, वो ब्रज गोपियां हैं, और उन ब्रज गोपियों में भी अपि राधा श्रीमती राधिका सर्वश्रेष्ठ है। उन समस्त ब्रज गोपियों में भी श्रीमती राधिका सर्वश्रेष्ठ है। और उसी प्रकार कुंडम चा अस्य, ये जो कुंड है ये श्रीमती राधिका से अभिन्न है। कुंडम चास्या, ये कुंड भी क्या है, श्रीमती राधिका के समान ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा मुनियों ने, मुनि भिर्मित स्तादृगेव व्यधायी, ऐसा बड़े बड़े मुनियों ने सारे शास्त्रों का सार निचोड़ करके ऐसा निर्णय किया है कि राधा कुंड भी क्या है, ये सारे शास्त्रों का सार श्रीमती राधिका से अभिन्न भजन का सर्वोत्तम स्थान है। और गुरु महाराज जी कहते हैं यत प्रेष्टे रप्य अलम असुलभम किम पुनर्भक्ति भाजम। अरे नारद उद्धव शिवजी आदि बड़े प्रिय है कृष्ण को, प्रेष्टे अर्थात बड़े प्रिय है कृष्ण को, किंतु उनके लिए भी ये जो ब्रज प्रेम है बड़ा दुर्लभ है। किंतु वही तत् प्रेमेदम, वही जो ब्रज प्रेम है उसको यदि श्री राधा कुंड में स्नान मात्र कर ले कोई, बड़े सहज रूप में राधा कुंड उस ब्रज प्रेम को विशेषकर श्रीमती राधिका के दास्य भाव को प्रदान करने वाले हैं। गुरु महाराज जी ने बात कही और बड़ी अच्छी बात गुरु जी कहते हैं जिसको भी हम सुन रहे थे, हमारे ये प्रभु जी बतला रहे थे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने बड़ी अद्भुत राधा कुंड की महिमा कही कि वृषभ अदनुजन आचार नर्म धर्मोक्ति रंगेर निखिल निज सखी बृहत स्वहस्ते न पूर्णम प्रकटितमपि वृंदारण्य राग प्रमोदे तदति सुरभि राधा कुंड में आश्रय में। अरे ये राधा कुंड मेरा आश्रय बन जाए, जैसा कि अभी सुन रहे थे गोपाल चंपू की कथा को, अरिष्टासुर ब्रज में आया, कृष्ण ने उसका वध कर दिया, संध्या के समय गुरुजी भी
ये सब कथाएं कहते थे, उनके ही मुख से हमने सुनी है कि कृष्ण संध्या के समय गोपियों से मिले और श्रीमती राधिका ने कहा हमको स्पर्श नहीं करना, तुमने गौ जाति का वध किया है। कृष्ण कहते वो तो असुर था। राधिका जी ने कहा कि असुर होने पर भी गौ जाति का वेश लेकर के आया, कृष्ण का पाप कैसे दूर होगा। राधा जी ने कहा समस्त तीर्थों में स्नान करो तो पाप दूर होगा। कृष्ण ने एड़ी का चोट मारी, श्याम कुंड का निर्माण कर दिया, सारे तीर्थों का उसमें क्या किया आवाहन किया, सारे तीर्थ आ गए, स्नान कर लिया, पवित्र हो गए। राधा जी से पूछा हमने तो पवित्रता को प्राप्त कर लिया, अब आप कैसे पवित्र होंगी। राधा जी ने कहा क्यों, हमको कौन से पाप ने स्पर्श किया जो हमको पवित्र होने की आवश्यकता है। कृष्ण ने कहा आपने ये असुर जो है ना इसका पक्षपातित्व किया है। कैसे पक्षपातित्व किया, आपने बतलाया ना असुर का वध किया, हमको स्पर्श मत करो, इसका पक्षपातित्व किया, आपको पाप लगेगा, अभी आपके पाप का मार्जन कैसे हो। राधा जी ने भी अपने कंगन से कुंड का निर्माण किया, जब उसमें जल भरने के लिए मानसी गंगा से चली, कृष्ण का हमारे कुंड से जल ले लो, इस प्रकार बड़ी मधुर लीलाओं के साथ नर्म धर्मोक्ति रंगे, राधा जी भी धर्म की उक्तियां दे रही हैं, कृष्ण भी धर्म की उक्ति दे रहे हैं, ऐसे ये श्री राधा कुंड और श्याम कुंड का निर्माण हुआ। ये सब कथाएं हम लोगों ने सुनी है। हमारे गुरु जी कहते हैं कि ये जो राधा कुंड है इसकी महिमा बड़ी अपराकृत है, अभी संक्षेप से समय में क्या कहें। तो गुरु जी कहते हैं कि इस राधा कुंड की महिमा बड़ी अपराकृत है, एक एक दिशा में राधा कुंड की, जैसे पूर्व दिशा में श्री ललिता जी का अष्ट दल कमल के समान उनका एक कुंज है, पूर्व दिशा में चित्रा सखी का, चंपक लता सखी इत्यादि जो अष्ट सखिया, रंग देवी, सुदेवी, विशाखा, इन सब का एक एक दिशा में बड़े सुंदर मधुर कुंज है, जहां पर और मध्य में बीच में अनंग मंजरी जी का कुंज है, जहां पर कृष्ण बड़ी अपराकृत सब लीलाएं करते हैं, अग्नि कोण में, वायु कोण में, नैरत्य कोण में, इन सब कोणों में एक एक सखियों का, गोपियों का कुंज है, जहां पर कृष्ण ये सब लीलाएं करते हैं। इन सब बातों को हमने सुना है। श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने बड़ी ही गंभीर एक बात कही, उसको कहकर मैं समाप्त कर दूंगा, यद्यपि उसका विस्तार में जाओ तो ऐसे अभूतपूर्व विचार हैं। मैं वास्तविकता बताऊं, जैसे प्रभु जी कह रहे थे ना, कहने की बात नहीं, ये भी कहने की बात नहीं है, किंतु फिर भी कह रहा हूं, जब इन बातों को हम सुनते हैं पढ़ते हैं ना गुरु जी के मुख से, प्रभुपाद जी के मुख से, तो ऐसी इच्छा होती है बालकों जैसी इच्छा कि कहीं ऊंचाई पर चढ़ जाएं और चिल्ला चिल्ला कर ये कहें अरे प्रभुपाद जी की महिमा देखो, प्रभुपाद जी का विचार देखो, ऐसा विचार कहीं नहीं मिलेगा, ये प्रभुपाद जी का विचार है, किंतु फिर लज्जा आ जाती है सोच करके, अरे पहले स्वयं तो पालन करो फिर दूसरों को जाकर बोलोगे, किंतु प्रभुपाद जी का विचार ऐसा अद्भुत है, उसको सुनकर हृदय में एक ऐसा आंदोलन आ जाता है कि ऐसा विचार जगत में कहीं नहीं मिलेगा। प्रभुपाद जी ने देखिए कैसी बात कही, एक बात बतलाता हूं, वो बड़ा विस्तृत विचार है, एक बात बतलाता हूं। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं ये जो श्री राधा कुंड है, ये श्री राधा कुंड क्या है, ये श्रीमती राधिका से अभिन्न है, और इस श्री राधा कुंड पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ये गौड़ीय वैष्णव राज्य के भजन का सर्वोच्च स्थान है, गौड़ीय वैष्णव राज्य के जो भजन है उसका ये सर्वोच्च स्थान है। और एक बात कही, ये भजन का सर्वोच्च आश्रय है, ये जो राधा कुंड है ये भजन का, ये जो राधा कुंड है ये भजन का सर्वोच्च आश्रय है, जैसे श्रीमती राधिका भजन की सर्वोच्च आश्रय है, श्री प्रभुपाद कहते हैं श्रीमती राधिका भजन की सर्वोच्च आश्रय है, ऐसे ही राधा कुंड भी भजन का सर्वोच्च आश्रय है। क्यों, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण को सर्वाधिक सुख कौन सी लीला में मिलता है, रास लीला में। रास बहुत प्रकार का है, बासंती रास है, महारास है, शारदीय रास है, पंचायती रास है, किंतु श्री प्रभुपाद उसमें एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, अन्य अन्य सब रास, बासंती रास के भी भंग होने की बात सुनते हैं, शारदीय रास के भी भंग होने की बात सुनते हैं, किंतु श्री राधा कुंड के तट पर जो रास होता है, श्री प्रभुपाद जी कहते वो कभी भंग नहीं होता, श्री राधा कुंड के तट पर जो रास होता है वो रास कभी भंग नहीं होता। क्यों, श्री प्रभुपाद जी कहते क्योंकि श्री राधा कुंड के तट पर श्रीमती राधिका और उनके गणों की एक्सक्लूसिव पोजिशन है, ये जो श्री राधा कुंड है उसके तट पर श्रीमती राधिका और उनके गणों की एक्सक्लूसिव पोजिशन है, अर्थात श्री प्रभुपाद जी कहते बड़ी विशेष और अनन्य स्थिति है श्रीमती राधिका की, वहां पर रास भंग होने का अथवा रस भंग होने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई भी जो प्रतिपक्ष की गोपियां हैं चंद्रावली इत्यादि उनका कोई प्रवेश ही नहीं है, इसलिए रास भंग होने की आवश्यकता ही नहीं है।
श्री प्रभुपाद जी कहते रास भंग क्यों होता है, रास भंग क्यों होता है, कृष्ण बहुत कारणों से, उनमें मूल कारण है श्रीमती राधिका की महिमा को जगत में स्थापित करने के लिए कृष्ण ये रास लीला भंग करते हैं, चाहे वो बासंती रास हो चाहे वो शारदीय रास हो। यदि आप श्री चक्रवर्ती पाद की टीका में प्रवेश करेंगे तो स्पष्ट रूप से अनुभव होगा कि कृष्ण रास को भी क्यों भंग करते हैं, श्रीमती राधिका की महिमा को प्रकाशित करने के लिए। किंतु श्री प्रभुपाद जी बड़ा अद्भुत विचार बतलाते हैं, वो रास भंग करके श्रीमती राधिका की महिमा प्रकाशित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि वहां पर विपक्ष की भी गोपियां हैं, अन्य अन्य गोपियां भी हैं, इसलिए रास को भंग करके उन गोपियों के बीच में श्रीमती राधिका की महिमा को स्थापित करने के लिए भी रास भंग करना पड़ता है। किंतु श्री राधा कुंड के तट पर जो समस्त गोपियां हैं वो श्रीमती राधिका की महिमा को भली भांति जानते हैं, श्री ललिता देवी, श्री विशाखा देवी इत्यादि श्रीमती राधिका की महिमा को भली भांति जानती हैं, इसलिए उनके निकट में उनकी महिमा को स्थापित करने की, पुनः प्रकाशित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं श्री राधा कुंड के तट पर श्रीमती राधिका की एक्सक्लूसिव पोजिशन है, बड़ी विशेष स्थिति है। हमारे रामचंद्र प्रभु जी ने कभी गुरु जी से एक बात पूछी थी, वो इन्होंने कभी मुझे बतलाई, मैं भी उनसे पूछ भी रहा था। देखिए उस बात में इसका एक सार स्वरूप भी है। गुरुजी से इन्होंने पूछा कि जब आप के चरणों को कोई स्पर्श करता है तो उसके पश्चात हाथ धोने की आवश्यकता पड़ती है, चरणों को जब स्पर्श करते हैं तो हाथ धोने की आवश्यकता पड़ती है। तो गुरु महाराज जी दो क्षण रुके और उन्होंने उत्तर दिया, जिनको लगता है हाथ धोने चाहिए उनको धोने की आवश्यकता पड़ती है। यही कहा ना, जिनको लगता है कि हाथ धोने की आवश्यकता पड़ती है उनको हाथ धोने चाहिए। मुझसे भी दो दिन पहले एक सन्यासी जी ने प्रश्न किया कि क्या आपके सामने गुरुजी ने कोई अलौकिक लीला प्रकाशित की, प्रश्न किया कि क्या आपके सामने गुरुजी ने कोई अलौकिक लीला प्रकाशित की। मैंने कहा नहीं, अलौकिक लीला तो कोई ऐसी प्रकाशित नहीं की। तो मैं बहुत समय तक चिंतन मनन मंथन करता रहा इस बात का, मन में एक विचार आया, यदि आपके मन में यह सुदृढ़ विश्वास है कि गुरुपाद पर अनुभव ना भी हो, यदि यह सुदृढ़ विश्वास है कि गुरु पाद पद्म प्राकृत है अलौकिक है, तो उनको यह दिखलाने की आवश्यकता क्या पड़ेगी कि मैं प्राकृत हूं अलौकिक हूं। जिनके मन में इस विश्वास का आभास है कि गुरु पाद पद्म अलौकिक है अथवा नहीं है, अप्राकृत है अथवा नहीं है, उनके सामने तो कुछ प्रकाशित करने की आवश्यकता पड़ेगी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी जी को क्या कभी अपना वैभव दिखाया, किसको दिखाया? प्रकाशानंद सरस्वती को, सार्वभौम भट्टाचार्य जी को अपना षडभुज रूप दिखाया, रूप गोस्वामी जी को सुनते कभी षडभुज रूप दिखाया? रूप गोस्वामी जी को तो नहीं दिखाया। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को षडभुज रूप दिखाया? नहीं दिखाया, क्योंकि वो भली भांति श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा को जानते हैं, इसलिए उनको आवश्यकता पड़ेगी जिनके मन में कहीं इस विश्वास का आभास है कि गुरु पाद पद्म अलौकिक नहीं है अप्राकृत नहीं है। यदि हमारा अंततः बद्ध भूमिका में भी ये सुदृढ़ विश्वास हो गुरु पाद पद्म अलौकिक है गुरु पाद पद्म अप्राकृत है, उनको कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उसी प्रकार श्रीमती राधिका जब राधा कुंड के तट पर कृष्ण के साथ रास करती हैं तो सब उनके निज जन हैं, उनके निकट में राधा जी की महिमा को प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं, वो स्व प्रकाशित है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, समय मिलेगा तो ये सुनना चाहिए, ये वास्तव में संपत्ति है। देखिये गौड़ीय मठ कहने का अर्थ क्या है, गुरु महाराज जी की हम कथा सुन रहे थे और गुरु जी कह रहे हैं कार्तिक के अंतिम दिन में हमने जो परिक्रमा कराई है ना पूरी एक मास, ये परिक्रमा क्या है? श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के विचार वैशिष्ट को हमको समझना पड़ेगा, ये गुरु महाराज जी कह रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के विचार वैशिष्ट को हमको समझना पड़ेगा, उनके विचार को लिए बिना ना हमारा साधन संपूर्ण होगा ना हमारी सिद्धि संपूर्ण होगी, ये गुरु महाराज जी कह रहे हैं। इसलिए गौड़ीय मठ कहने का अर्थ क्या है? श्रीला प्रभुपाद, श्रीला प्रभुपाद की धारा, श्रीला प्रभुपाद के विचार, प्रत्येक विषय पर जो उन्होंने विचार दिए हैं इनको जानना इनको समझना। अत्यंत संक्षेप में श्रीला प्रभुपाद जी ऐसी बात कह देते हैं ऐसा लगता है सारे शास्त्रों का, वेद वेदांत उपनिषद का ये सार स्वरूप है। इसलिए बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं। राधा कुंड के तट पर श्रीमती राधिका की मध्यान्हिक लीला होती है, श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर जी श्रीमद श्री राधा कुंड के तट पर मध्यान्हिक लीला में ही प्रविष्ट हुए और वो श्री स्वानंद सुखद कुंज में अनंग मंजरी जी के अनुगत्य में, रूप मंजरी जी के अनुगत्य में वो श्री राधा गोविंद की सेवा कर रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं जिस दिन हमारे हृदय में साधन करते करते गुरु वैष्णव के अनुगत्य में यदि अप्राकृत लालसा की एक क्षीण सी छाप भी आ जाए, छाप कि मैं भी कभी राधा कुंड के तट पर श्री कृष्ण श्रीमती राधिका की उन सब लीलाओं का दर्शन कर सकूं, तब वास्तव में क्या होगा। और उस प्रकार का विरह भाव भी हमारे हृदय में जब कुछ आ जाए
तब वास्तव में समझें हमारा साधन पूर्ण हो रहा है। इसलिए बड़े गुरुत्वपूर्ण विचार हैं, बड़े गुरुत्वपूर्ण विचार, उन विचारों को हमको सुनना, उन विचारों को हमको समझना है। यही सब बातें कहने के लिए गुरु महाराज जी की परिक्रमा है। आज समय हो गया है, बहुत सारे विचार अभी ऐसे सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते प्रभुपाद जी के इतने अद्भुत अद्भुत विचार स्मृति में आ जाते, इच्छा होती है। वास्तव में ये संपत्ति है हमारी, ये संपत्ति है श्रवण दशा, वर्ण दशा, स्मरण दशा, आपन दशा, संपत्ति दशा, ये श्रवण दशा हो, पुनः 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 श्रवण करें। और गुरु जी कह रहे जब श्रवण दशा होगी ना ठीक ठीक रूप में, तो वर्ण दशा अर्थात तो श्रुत विषय का जिसको हम सुन रहे हैं उसका कीर्तन स्वाभाविक रूप में होगा। जब उसमें कुछ हमारी हमारा कुछ प्रवेश हो जाएगा, जब हमारा कुछ उसमें हमारी आविष्टता हो जाएगी। इसलिए सुने पुनः पुनः इन विचारों को, श्री सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी को हम जाने, गुरु पाद पद्म को हम जाने, ऐसे दुर्लभ विचार वो देकर के गए हैं। आज यहीं तक रहे, फिर सुनेंगे हृदय में लालसा ये लोग लेकर के जाएं, और कभी ऐसा समय सुयोग हो इन सब विचारों को हम सुने। बड़ी अद्भुत महिमा शिला प्रभुपाद जी ब्रज में आए। शिला प्रभुपाद जी अपने प्रकट होने से पहले वर्ष 1936 में पुरुषोत्तम मास पालन करने के लिए उन्होंने संपूर्ण ब्रजमंडल की परिक्रमा की। एक मास एक एक स्थान की प्रभुपाद जी ने ऐसी ऐसी महिमा कही है, ऐसा विचार और वैशिष्ट्य, ऐसा दृष्टिकोण प्रभुपाद जी ने बदला। संकेत में गए प्रभुपाद जी, संकेत स्थान पर अभी हम लोग जाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं संकेत जो स्थान है इसमें ग्रस्त लोगों का कोई यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, यहाँ पर ग्रस्त लोग प्रवेश ना करें। अब आश्चर्य में पड़ जाएंगे, ग्रस्त लोग प्रवेश ना करें, या तो परिक्रमा में 90% ग्रस्त लोग हैं, किंतु प्रभुपाद जी ने ग्रस्त कहने का क्या अद्भुत विचार बतला है। किसको वास्तव में ग्रस्त कहते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं संकेत ये कृष्ण की जो लीला स्थली है इनमें ग्रस्त लोगों का प्रवेश नहीं है, किंतु जो घर में स्त्री पुत्र परिवार को लेकर के रह रहे केवल उनको ही ग्रस्त कहा जाएगा, ऐसी बात नहीं है। वास्तव में वो वृत्ति जिसको, जो ग्रस्त की जो वृत्ति है, प्रभुपाद जी ने कैसी उसकी अपूर्व व्याख्या की है। वास्तव में किसको ग्रस्त कहते हैं, किन ग्रस्तों का वहां पर प्रवेश नहीं, केवल संसार करके संसार में रहने वाले लोगों को उन्होंने ग्रस्त नहीं कहा है। बड़ी अद्भुत अद्भुत विचार प्रभुपाद जी के है। प्रभुपाद जी बता रहे लीला स्थलियों पर हम जाएंगे, सुन रहे हैं हम, राधा कुंड पे कृष्ण रास कर रहे हैं, इस अमूक स्थान पर गए कृष्ण रास कर रहे राधा जी के साथ, तो प्रभुपाद जी ने जो वे बात कही ना, ग्रस्त लोग यहाँ पर ग्रस्त लोगों का प्रवेश नहीं है, बड़ी अद्भुत व्याख्या उसकी प्रभुपाद जी ने कही। इसको समझेंगे तब वास्तव में जाकर के हमको अनुभव होगा कि वास्तव में प्रभुपाद जी कह रहे कोई त्यागी होकर के भी ग्रस्त हो सकता है, कोई ग्रस्त होकर के भी त्यागी हो सकता है। बड़ी अद्भुत बात प्रभुपाद जी ने कही, कैसी वृत्ति लेकर इन लीला स्थलियों पर हम जाएंगे तब वास्तव में इन लीला स्थलियों का स्वरूप प्रकाशित होगा, कैसा हृदय लेकर के जाएंगे वास्तव में, ये ग्रस्त की वृत्ति लेकर के ना जाएं, ऐसी ऐसी बात प्रभुपाद जी ने उसके विषय में कही है। सुनेंगे कभी समय और सुयोग होगा तो गुरु महाराज जी के चरणों में, यही हमारी प्रार्थना। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। और दो मिनट बैठ गया। बोले श्री राधा कुंड की, अरे जोर से बोला, बोले श्री श्याम कुंड की, बोले गिरिराज महाराज की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि कृष्ण। हम लोगों ने वैष्णव के मुखारविंद से आज राधा कुंड श्याम कुंड की कथा बड़ी प्यारी प्यारी बड़ी मीठी मीठी कथा सुनी। बोले वास्तव रूप में राधा कुंड श्याम कुंड का दर्शन आज सही हो रहा है, क्योंकि प्रभुपाद कहते थे किस चीज को आंखों से दर्शन मत किया करो, किसको द्वारा दर्शन करो, कानों से दर्शन करनी चाहिए। जब तक हम कानों से मतलब जब तक उसकी महिमा नहीं सुनते है ना, तब तक तो क्या। एक समय देखो मेरा अनुभूति की बात है, एक समय बंगाल से कुछ भक्त लोग आए, मैंने उनको दर्शन कराने के लिए ले गया। अब वृंदावन गए हो देखना, सोरिया घूम रही है, नाली बह रही है, और सेवा कुंज में जाओ तो बंदर तो चश्मा उठा कर चोरी करके ले जाते। वो बंगाली लोग एक बार दर्शन करने के लिए गए, मैं पहले नहीं गया था, उनको इतना घृणा हो गया, बोले ये वृंदावन, वो वृंदावन की बड़ी महिमा सुन करके आए थे, अद्भुत वृंदावन धाम है, सारे वृक्ष कल्प वृक्ष है, भूमि चिंतामणि, वहां पर पानी नहीं अमृत है, यमुना कलकल नादे से बह रही है, लेकिन यहाँ करके इतने उनका घृणा हो गया है। सोरिया घूम रहे हैं, बंदर छीन रहे हैं, है? गली गली में गैया घूम रही है, नाली बह रही है, उसको देखकर इतना घृणा हो गया। तब दूसरे दिन मैं उनको साथ में ले गया, फिर उनको सब मंदिर में बहुत बहुत कथा हमने सुनाई, इतने प्यारी प्यारी कथा सुनाई गुरु जी से जो मैंने कथा सुनी थी। लोग सुनकर बोले बाबा हमारा तो वृंदावन धाम सोच रहे थे और जिंदगी में कभी आएंगे नहीं यहाँ पर, हमारा तो घृणा हो गया था, ये वृंदावन धाम है।
लेकिन जब हमारी कथा सुनी ना वो इतने प्रसन्न इतने खुश हो गए, बोले हर साल आएंगे, फिर हम हर साल वृंदावन आएंगे। इसलिए प्रभुपाद कहते थे आंखों से मत देखा करो, किसको द्वारा देखो, कानों से देखो। इसलिए जो राधा कुंड श्याम कुंड आप लोगों ने श्रवण किया, कहते श्री रघुनाथ दास गोस्वामी एक श्लोक में ये राधा कुंड की महिमा को वर्णना कर रहे हैं। कहते वृंदावन सुरम्य अपि, कहते वृंदावन का कितना धाम है, वृंदावन की कितना धाम है, श्री वृंदावन धाम की, वृंदावन कोई साधारण भूमि नहीं। कहते उससे श्रेष्ठ क्या है, कहते उनकी रासस्थली उनसे श्रेष्ठ है, जहां पर उन्होंने रस को प्रवाहित किया। लेकिन उनसे श्रेष्ठ क्या है, बोले श्री गिरिराज गोवर्धन उनसे श्रेष्ठ है। और कहते जहां पर श्री उद्धव कियारी, जहां पर उन्होंने भ्रमर गीत है, प्रेम सरोवर, जहां प्रेम की बड़ी महिमा। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं यद्यपि ये स्थान की अद्भुत महिमा है, अद्भुत महिमा, जहां पर उद्धव जैसे व्यक्ति भी जिस प्रेम को देखकर चमत्कारिता हो जाते हैं और राधा रानी के चरण की एक धूल को वंदना करते हैं, जब उद्धव कियारी कहते ये जितने प्रेममय स्थान है, अगर ये स्थान के सारे महिमा को एकत्रित कर लो, सारे महिमा को एकत्रित कर लो, लेकिन ये करने पर भी कहते राधा कुंड की इतने महिमा, राधा कुंड की इतने महिमा, सारे लीला स्थलियों को एकत्रित करने पर भी एक बूंद का साथ में भी आप बराबर नहीं कर सकते हैं, इतने राधा कुंड की महिमा। इसलिए गुरुदेव विशेष करके एक बात बताया करते थे, कहते किसी स्थान की महिमा को अगर समझना हो तीन चीज को द्वारा उसकी विचार करनी चाहिए। कितने चीज को द्वारा? तीन चीज को द्वारा। बोले वो तीन चीज क्या है? बोले स्थान, काल और पात्र। गुरुदेव कहते थे तीन चीज को द्वारा वो स्थान की महिमा को हमें समझनी चाहिए। गुरुदेव कहते स्थान, बोले राधा कुंड श्याम कुंड क्या है? बोले ये कुंड नहीं, बोले जथा राधा प्रियम कुंडम प्रियम तथा सर्व उपेशु सेवई का विष्णु रतंत वल्लभा। ये कुंड नहीं, ये स्वयं श्री राधा रानी ये कुंड रूप में प्रकट हुए हैं। तब राधा रानी को साथ में और किसी चीज को आप बराबर कह सकते हो? राधा रानी को साथ में और कोई चीज बराबर हो सकती है? क्योंकि राधा कुंड स्वयं श्री राधा रानी। राधा मतलब क्या है? बोले कृष्ण न आराध्यते इति राधा है, बोले कृष्ण भी जिनके चरण की आराधना करते हैं। राधा रानी अगर मान कर देते हैं ना, कृष्ण स्वयं कहते हैं स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम तेहि पद पल्लव मुदारम। जहां पर श्याम सुंदर कहते हे राधे जब तू मान करती है ना, तेरे मान को मनाने के लिए मैंने गिरिराज भी उठा लिया, मेरे को कोई परिश्रम नहीं लगा, मैंने अघासुर बकासुर भी मारा, कोई परिश्रम नहीं लगा। लेकिन राधा रानी जो मान करती है उसको मान को मनाने के लिए कृष्ण कहते हैं इतना कष्ट होता है और जीवन में मेरे को इतना कभी कष्ट नहीं लगा है। इसलिए जहां पर राधा रानी को चरण में मयूर पंख बंसुरी रख लेते हैं श्याम सुंदर, इसलिए कहते हैं ये राधा कुंड नहीं, ये स्वयं श्री राधा रानी। इसलिए कृष्ण, इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं बोले ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंदम, जिनके चरण ब्रह्मा तक भी प्राप्त नहीं कर पाए, शंकर तक भी नहीं, यहाँ तक भी ब्रह्मेश्वरादि आदि स्वर जो कृष्ण है, अगर कभी भी मान कर लेना राधा रानी, कृष्ण भी कभी कभी अंदर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो राधा कुंड श्याम कुंड ये कौन है? स्वयं राधा और कृष्ण है। अरे गिरिराज गोवर्धन को क्या बताए, ये कृष्ण स्वरूप है, इनका मुखारविंद यहाँ पर पुछिर के लौधान को पूछे, कभी राधा कुंड श्याम कुंड क्या है? बोले इनकी ये दो नेत्र हैं। जैसे एक व्यक्ति को देखो, हमारी एक व्यक्ति दुखी ना सुखी पता कैसे चलता है? चेहरे से, उनको मुखमंडल, मुखमंडल में विशेष करके दो आंखों देख लो ना, ये दोनों आंखों बता देता है ये व्यक्ति दुखी ना सुखी, दोनों आंख बता देते हैं। इसलिए राधा कुंड नहीं, ये कौन है? कहते श्री गिरिराज की दो आंख है। एक व्यक्ति बड़ा सुंदर है लेकिन उसका आंख नहीं है, सो बेकार है ना, इसलिए कौन है? बोले स्थान, कहते ये स्वयं राधा रानी और कोई नहीं। इसलिए एक समय वृंदा देवी आई, वृंदा देवी आई तो इतने में श्याम सुंदर ने पूछा हे वृंदे कस्मात प्रिय सखी, बोले हे प्रिय सखी वृंदे तू कहां से आ रही हो? बोले मैं राधा कुंड से आ रहा हूं। बोले राधा कुंड में तुमने क्या देखा? बोले मैंने देखा कृष्ण स्वयं नृत्य कर रहे थे।
बोले नृत्य कर रहे थे, बोले कह गुरु, बोले भैया गुरु के बगैर थोड़ी कोई नृत्य विद्या सीख सकते थे, बोले बताओ वो गुरु कौन थे, बोले गुरु वहां के जितने लता पता वृक्ष है, कहते ये स्वयं लता पता वृक्ष कह रहे हैं, वो लता पता नहीं, ये सबके सब श्री राधा रानी की भाग में विभावित है, श्याम सुंदर वहां की लता पताओं को ही गुरु मान करके, क्यों वहां की लता पता भी कृष्ण राधा भाव में विभावित है, नृत्य शिक्षा के गुरु कौन है, वहां की लता पता है, इसलिए कहते स्थान क्या है, बोले राधा कुंड श्याम कुंड, बोले स्थान काल, जो काल है अभी आप श्रवण कर रहे थे, जो काल है विशेष करके वहां पर जो अष्टजाम है, अष्टकालीय जो लीला है, उसमें जो मध्यान्ह की जो लीला है वो सर्वश्रेष्ठ लीला है, क्योंकि उसमें अष्टजाम में कोई ढाई घंटा, कोई दो घंटा, कोई तीन घंटा, लेकिन कृष्ण जब मध्यान्ह की लीला वहां पर करते हैं सबसे ज्यादा लंबा है, सबसे ज्यादा लंबा समय कृष्ण राधा कुंड श्याम कुंड में ही मिलते हैं, और विशेष करके अभी हम लोग जो श्रवण कर रहे थे वहां पर, जैसे दूसरे जगह में कृष्ण जब लीला करते हैं बड़े डरते हुए लीला करते, बोले क्यों, बोले जटला कुटला की डर हर समय लगा रहता है, लेकिन जब राधा कुंड श्याम कुंड में लीला करते हैं, कहते वहां पर ये जोग माया संपूर्ण रूप में, गुरुदेव के जोग माया को द्वारा संपूर्ण रक्षित किया स्थान, यहाँ जटिला कुटिला प्रवेश नहीं कर सकते हैं, इनकी प्रवेश नहीं, इसलिए राधा कुंड श्याम कुंड में वो स्वच्छंद रूप में जो उनको विहार है वो राधा कुंड श्याम कुंड में ही करते हैं, वहां पर कोई बाधा विपत्ति नहीं। अब विशेष करके वहां पर पांच तरह का लीला विशेष, यद्यपि वहां बहुत लीला, मैं कल पढ़ रहा था कृष्ण भावनामृत में, वहां पर तो इतनी अच्छी अच्छी बात बताई, कल ये बात को सुनेंगे, राधा कुंड श्याम कुंड की जो वर्णना कर रहे थे बहुत लीला, विशेष करके गुरुदेव कहते थे वहां विशेष करके पांच लीला हुई है, बोले पांच लीला किया, बोले पहला लीला जो कुंज लीला है, इसलिए वृंदा देवी को श्री हमारे पौर्णमासी देवी ने जोग माया ने आदेश दिया, जब राधा कुंड श्याम कुंड प्रकट हुई इतने सुंदर राधा कुंड श्याम कुंड के सजाओ जैसे पृथ्वी में इतने सुंदर स्थान नहीं होनी चाहिए, इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ना, चिंता मणिमय राधा कुंड तट ताहे कुंज सत सत प्रवाल विद्रुम मय तरुलता ताहे कुंज सत सत, इसलिए वर्णना करते हैं, एक वृक्ष में हमें एक फल, वहां पर एक वृक्ष में सारे फल, एक वृक्ष में एक फूल होता है, एक वृक्ष में सारे फूल होता है, सुंदर वहां पर कोयल कुहू करते हैं, मयूर केका करते हैं, चार वहां पर चार तरह का कमल फूल खिले हुए, जहां पर सुंदर रूप में वहां पर सुगंधी एक साथ में वहां पर बताए, चार कोणा में चार ऋतु बह रही है, हम जानते हैं एक ऋतु एक जात में बहता है, कहते अलग अलग कौन सा कोना कोने में कौन सा ऋतु बह रही है वहां पर वर्णना किया, और चार कोने में कैसे दो दो वृक्ष है, आम का वृक्ष, तमाल वृक्ष, कदम वृक्ष, कैसे झूला डाला हुआ, कैसे राधा कृष्ण उसमें झूला में कैसे झूलते अद्भुत रूप में, आप लोग ये ग्रंथ को जरूर पढ़ना, कृष्ण भवनामृत अद्भुत उन्होंने वर्णना किया है, इसलिए स्थान कहते काल है, काल मतलब मध्यान्ह की लीला है, कहते पात्र, कहते वहां पर पात्र कौन है, उस समय वहां कौन रहते हैं, भैया वहां पर केवल राधा रानी की पक्ष गोपियां रहती हैं, वहां पर कोई है विपक्ष गोपियां वहां पर नहीं, केवल राधा रानी की जो स्वपक्ष गोपियां वहीं पर रहते हैं, और वहीं पर स्वच्छंद रूप में जल विहार, नौका लीला, कुंज लीला, कहते इतने सुंदर कुंज बनाई वृंदा देवी ने, इतने सुंदर, कहते किसी नीला, कोई पीला, कोई हल्दी वर्ण का, अगर इतने सुंदर कहीं फूल में, कहीं पत्तों में, जैसे पास में कोई खड़ा हुआ है ना, यहाँ पर कभी देख नहीं सकता अंदर में क्या हो रहा है, अद्भुत अद्भुत वर्णना किया अद्भुत रूप में है श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर कृष्ण भवनामृत ग्रंथ में अद्भुत वर्णना किया, इसलिए जो राधा कुंड श्याम कुंड श्री रूप गोस्वामी कहते, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जब वहीं पर रहते थे उन्होंने विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ लिखे, और राधा कुंड को साक्षात राधा रानी रूप में वंदना कर रही है, और श्री श्याम सुंदर अगर राधा रानी को भी मान करती है ना, श्याम सुंदर क्या करते हैं कि राधा कुंड को श्री राधा रानी मान करके तीन बार उसमें स्नान करते हैं और बैठ करके राधा रानी के मंत्र को जप करते हैं, राधा रानी खुश हो जाए, राधा मंत्र को, क्यों राधा कुंड नहीं राधा रानी,
कि मैं राधा कुंड में स्नान कर रहा हूँ, राधा रानी में मैं स्नान करके राधा रानी प्रसन्न हो जाए, इसलिए बैठ करके राधा मंत्र को जप करते हैं। इतने राधा कुंड की इतने महिमा, इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान गुरु वैष्णव के अनुगत्य में ऐसे राधा कुंड में गए, स्नान किया, दर्शन किया आए, इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान है जो कि गुरु जी के अनुगत्य में इतने श्रेष्ठ। और रामचंद्र प्रभु जी की अच्छी बात बताए, जब ये कथा को सुनेंगे जरूर तो लोभ आएगा ना, जब लोभ आएगा बस, केवल कान ही ऐसे की चीज है जिसको दरा सुनते 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 जिसका सुनोगे बस उसमें ही अपनी आप हमारी रुचि अपनी आप हो जाएगी। ये गुरु जी की बड़ी महानता है जो ऐसे संतों के अनुगत्य में, गुरु जी के अनुगत्य में जो परिक्रमा कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अनमोल वस्तु है। बोले श्री राधा कुंड की, बोले श्री श्याम कुंड की, बोले श्री गुरुपाद पद्म की, पिताजी गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हाँ अभी चलो नाट मंदिर में, आज अभी वहां पर राधा रानी कथा हुई है, सुनोगे सब।